नामकेचर के आधार पर एक साइक्लिक स्टेट या अनस्टेबल स्टेट या साल्ट लेक स्पीशीज कहते हैं। तो सिंस ये अनस्टेबल है, सिंस द लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज क्वाइट स्मॉल या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं लाइफ टाइम की बात करें कि अनस्टेबल है, थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहेगा। अभी कुछ है जैसे किसी से कुछ बात करिए, कोई अगर कोई चीज भूलता है एक बार बोलेगा तो कुछ बोलेगा, फिर दोबारा पूछिए तो बात अपनी खत्म करता है। तो ये इनको हम कह सकते हैं सिर्फ दी अपर स्टेट ये अनस्टेबल है, इसको क्या कह सकते हैं अपनी भाषा में कि दिस इज अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है उस समय के लिए स्टेबल है तो अनस्टेबल इस पॉइंट पर। देयरफॉर अब यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रोबेबिलिटी का, देयरफॉर ए स्मॉल पार्ट ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज ऑफ द अपर स्टेट पूरी बात समझाने के बाद फिर से क्लियर करेंगे। अपर स्टेट रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट, तो फिर ये क्या हुआ एक फ्रैक्शन था उस वर्ड लिख रहे हैं रिटर्न बैक टू द ग्राउंड और इसको कह सकते हैं लोअर स्टेट फेनोमेना होगा बाय और बाई में फर्क ये है कि बाई में निश्चित है क्या बदल जाएगा, बाय का मतलब है जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, तो बाय एक प्रोसेस है जिसका नाम है बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन के या ट्रांजिशन के स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन आपने देखा था क्यों होता था अपने आप होता था। हमने क्या किया कि यहाँ से कोई मैकेनिज्म है ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है ये प्रोटॉन हो सकता है, ऑप्टिकल पंपिंग है तो ये प्रोटॉन होगा, दिस इज नहीं ये ऑप्टिकल पंपिंग है तो प्रोटॉन होगा और ये इलेक्ट्रॉन हो सकता था अगर ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन है, ये क्या करेगा एटॉमिक स्पीशीज को यहाँ से यहाँ क्या करेगा ये जंप करेगा, इसलिए जो अपना एनर्जी बाय ए स्टेबल मेथड ऑफ पंपिंग द एटॉमिक स्पीशीज ऑफ लोअर स्टेट रेज टू द अपर स्टेट। जब ये ऊपर चला गया तो ऊपर वाली इसकी जो लाइन है उसकी अनस्टेबिलिटी है या लाइफ टाइम बहुत कम है, थोड़ी देर बाद ये क्या होगा उसमें फ्रैक्शन हमने लिखा स्मॉल फ्रैक्शन। अब यहाँ इतना है कि फ्रैक्शन स्मॉल है तो ज़्यादातर उसमें बताते हैं कि जितने को नीचे ऊपर ले जाइए सबके सब नहीं आते, तो स्मॉल फ्रैक्शन क्या होगा रिटर्न बैक हो गया यहाँ से, ये तुरंत जो है कम बैक है और ये कैसे आता है इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन, दिस इज नथिंग होता है स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस इमिशन में खास बात होती है कि जो ये एब्जॉर्ब करता है उसी के बराबर ये एनर्जी को इमिट करता है, अगर प्रोटॉन इस बात कह सकते हैं नहीं एक्सेप्ट करता तो यू कैन राइट लाइक दिस वन ये सिंगल प्रोटॉन स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या था कि जो अनस्टेबल स्टेट में गया वो अपने आप नीचे आ गया, ये फ्रैक्शन स्मॉल है व्हाइल मोस्ट ऑफ द एटम थे जो ऊपर है वो नीचे ना करके बेटर स्टेबल स्टेट में चले जाते हैं, जो बाकी बचे यानी जिन्हें आपने भेजे थे वो वहाँ जा करके यहाँ चले जाते हैं। ये स्टेट है कुछ इसको मैं कहा ये नॉन रेडिएटिव मैकेनिज्म है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, यानी ये ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोई भी इसमें इमिशन नहीं होता है, लगातार बहुत सी चीजें हैं आप तमाम लोगों को तमाम कुछ बोलते रहते हैं तो फिर कुछ नहीं बोलते हैं, ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, जब मौका आता है तो सब बोल जाते हैं कि आपने क्या क्या और कब कब कहा, ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में कुछ बहुत से हो सकते हैं उसमें कोलिजन हो सकता है, जब मौका आता है तो लोग लड़ाई करते हैं बैठ करके ये एक चीज का हिसाब मानते हैं कि आपने कब होगा आज होगा जिस कोलिजन ये वादा साहब कोलिजन हो सकते हैं, या फिर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में कुछ नहीं निकालते आपने कुछ कहा थोड़ा डांस वांस दिखा दिया रोटेशन वाइब्रेशन कर देते हैं इधर उधर मोड़ करके देख लिया और बाद कुछ नहीं है आपने कोई बात नहीं मोड़ करके देखा रोटेशन हो गया वाइब्रेशन हो गया या ऑसिलेशन हो सकते हैं, कोई ऑसिलेशन के लिए कोई चीज़ है सिंपल पेंडुलम कंपाउंड पेंडुलम या इस तरह की चीज़ें ऑसिलेशन में क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को नीचे रखवा देते हैं एक कोई ना कोई थ्रेड होगा एक कोई ना कोई डिस्टेंस होगा
फिक्स पॉइंट ऊपर था, और ये फिक्स पॉइंट से इधर उधर वन इंच फिक्स है, अनदर इंच के बीच में कुछ हमने डिस्टेंस पैदा करके कोई मास लगा दिया, उसको इधर से उधर करते, दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेशन। लेकिन अगर ये डिस्टेंस को जीरो कर दें, टाइम पीरियड इस डिस्टेंस पर, इस लेंथ पर निर्भर कर रहा था, सो कॉल्ड हैंगिंग लेंथ, जो हैंगिंग लेंथ थी वो वायर हो सकता है, वो कोई कोई रोप हो सकता है, स्प्रिंग हो सकती है, इसकी डिस्टेंस अगर जीरो कर दें, किसी ऑब्जेक्ट को ही फिक्स कर दें एक पॉइंट पर, ऑब्जेक्ट इधर से उधर हिलने लगेगी, अभी भी ऑब्जेक्ट पीछे, तो ये इधर से उधर होती, इसको आप इसको वाइब्रेशन कहते हैं। पहले वाले को ऑसिलेशन कहते थे, लटका दिया आपने कुछ, आगे इस तरह से लटकाया, एक दाल में आम लटका हुआ, और आम में से बीच में से कोई थ्रेड है, तो उसके बीच में से छोटी सी होती है, अब आती इधर से उधर आम अलग घूमता है, दाल इधर से ऊपर घूमती है, दोनों के वाइब्रेशन अलग अलग हो सकते हैं। ये जो था ये ऑसिलेशन था, इसमें से हमने थ्रेड लगाया, ये घूम रहा था, ह्यूमन लाइफ में इसकी कोई जरूरत नहीं है ऑसिलेशन की, ऑसिलेशन नहीं होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशंस क्या था, ये जो लेंथ थी इसको जीरो कर दिया, एक इंड पर फिक्स कर दिया, कान एक इंड पर फिक्स है, कान अलग होता, बीच में एक डोरी होती, इसको कान को जब जरूरत होती है तो इसको खींच करके यहाँ फिट कर लेते, अभी बाहर चली जाती है, क्लच वायर जैसे होते हैं ना कि अंदर भरा होता है, पैर अलग होता है, जरूरत होती चलने की खट से लगा लेते जूते मोजे कितने आप देखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्या एक इंड पर फिक्स है, तो आप पैर इधर से उधर चलाते हैं, हाथ इधर उधर चलाते हैं, ये क्या है, ये वाइब्रेशन है, ये ऑसिलेशन नहीं है। ऑसिलेशन क्या होता, इसको तोड़ फोड़ के अलग कर देते और जादू से चलाते इसको कि देखो हाथ मिल रहा है, कंकाल कंकर कितने, तो ये तमाम दांत टूट जाते हैं, जैसे दांत इधर से उधर चलता है अपने पोजिशन पर फिक्स है, ये क्या था, ये वाइब्रेशन है, रोटेशन, ये ऑसिलेशन नहीं है। ऑसिलेशन क्या होता है, दांत के बीच में कोई एक विंस टूट जाती है, दांत बाहर निकालते फिर इधर उधर चलाते उसको लटका करके, तमाम बॉडी के अंदर जो भी कुछ है, आँख ये कहीं पर फिक्स है, ये चलती है इधर उधर, अगर आप पहले निकालते भूतों की तरह निकालते और फिर आज ऐसे देखते भूत निकाल देते हैं, आप फिर निकाल करके अंदर कर लेते, ये ऑसिलेशन ना करके वाइब्रेशन, यानी ऑसिलेशन कुछ अलग होते और वाइब्रेशन कुछ अलग होते हैं, डिस्टेंस कुछ, तो यहाँ पर कुछ ऑसिलेशन होंगे, वाइब्रेशन होंगे, रोटेशन हो सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का जो ऑसिलेशन है वो ना होकर के रोटेशन और वाइब्रेशन, ये कुछ अलग तरह के मैकेनिज्म होंगे, और भी बहुत से प्रोसेस हैं, कुछ होंगे अभी ज़्यादा कुछ आगे बात करेंगे, मान लेते हैं कि ये नॉन रेगुलेटिंग वर्ड है, यानी जब कोई आदमी कुछ सही और डांस करने लगता है तो दूसरा नहीं, डांसर नहीं बोलता है, डांस होता है, आप देखते हैं किसी फिल्म में डांसर नहीं बोलता, कोई कोई डांस करता रहता है, कौन चिल्लाते हैं देखते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो करते रहते हैं, बोलते तो डांस बोलता है, डांसर नहीं बोलता है। यहाँ पे कुछ ये है, एटम मॉलिक्यूल जा रहे हैं लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ना कोई प्रेयर करते हैं, ना नारा लगाते हैं, ना टेम्पू करते हैं, कुछ नहीं करते, क्या हुआ, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल चला गया, प्रोसेस और भी है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस है ये, पर एक सिंपल प्रोसेस है, तो ये यहाँ से निकल के गया, तो अब नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर ज़्यादा हो गए, यहाँ पर बहुत से नंबर ऑफ आइटम्स आपको मिल गए, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कहाँ आपको मिल गई, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एंड दी मेटास्टेबल, ये ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट के बीच में आप पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये साइकिल स्टेट के बीच में नहीं, कहाँ मिली आपको, ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट कौन सा था, इंटरमीडिएट स्टेट, तो इंटरमीडिएट किसमें थी, इन बिटवीन दी लाइफ टाइम, दी लाइफ टाइम उसका जो है एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा था, लेकिन ग्राउंड स्टेट से कम था, अगर प्रैक्टिकली इसको मेजर किया जा तो नॉर्मली बदल सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर में जो मेजरली एग्जिस्ट करते हैं मटीरियल 10^-3 से लेकर 10^-5, यानी बेसिक मटीरियल के जरूरी है कि टू लर्ज लेवल ना हो, बल्कि उसमें मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए, एक्साइटेड स्टेट हो ना हो होनी चाहिए उसमें, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट होना, हर मटीरियल को लेजिंग मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर मटीरियल में मेटास्टेबल स्टेट नहीं होती है, आप 3 लेवल को जाए 4 लेवल कर सकते हैं, 5 लेवल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मटीरियल का हो सकते हैं, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट में होना चाहिए। तो विद्य शासन ये आ गया, यहाँ से क्या होगा कि आइडियली का मतलब डिफिनेशन है, आइडियल अगर मेटास्टेबल स्टेट है तो जो स्पॉन्टेनियस इंजरी इज नॉट परमिटेड फॉर द स्पॉन्टेनियस मेटास्टेबल स्टेट से कोई भी स्पॉन्टेनियस इमिशन अलाउड नहीं होता है, ये कंडीशन है इसकी, आइडियल मेटास्टेबल स्टेट है। तो
अगर नॉर्मल केस में आइडियल रिप्लेस नहीं करती तो स्मॉल फ्रैक्शन या स्मॉल प्रोबेबिलिटी होगी स्पॉन्टेनियस इमिशन की पहुंचती। तो स्मॉल का मतलब क्या हुआ, एक या दो प्रोटॉन्स के यहाँ से एक या दो जो है ये कुछ नीचे आ गया, ये क्या है कि एक्सीडेंट के बराबर हो गया, कोई इसको एक्सीडेंट का इसको एक्सीडेंट का कर दिया, ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। अब ये स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से आपको एक प्रोटॉन मिल गया, ये प्रोटॉन क्या करेगा कि एक साइडेड एटम में स्टेबल स्टेट में थे उनसे इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करके सबको जबरदस्ती ग्राउंड स्टेट में ले आएगा। इन अदर वर्ड यू विल गेट ए कंडीशन हियर, और इसको हम स्टिमुलेटेड भी कह सकते हैं, स्टिमुलेटेड कंडीशन और मेजर कंडीशन भी कह सकते हैं, और इसी तरह का बात भी मेजर कंडीशन, मेजर कंडीशन यानी यहां पर मेजर कहां से मिली, मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच जो कंडीशन था उसमें मेजर मिली। ये स्टिमुलेटिव प्रोटॉन कहां से आ गया, बाहर से निकल आएंगे, ये मेटास्टेबल स्टेट से स्मॉल प्रोबेबिलिटी थी, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी थी, दो चार छह एटम या जो भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं उससे ये इनफिल्ट हो गई। पूरी बात को लिखेंगे कि भाई ग्राउंड स्टेट बाय स्पॉन्टेनियस, हाउएवर हाउएवर ए मेजर फ्रैक्शन समबडी में आज कि जैसे आपको पता चल गया कि थोड़ा सा फ्रैक्शन नीचे आए स्पॉन्टेनियस फंक्शन में, ये थोड़ा सजेशन है, ये इंटेंसिटी बताती है, इसको मेजर किया गया तो देखा गया कि ये कंडीशन हो क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई, इसको मेजर करी तो मेरी अगर चार से दस प्रोटॉन का कोई डिटेक्टर है सिंगल प्रोटॉन डिटेक्टर या सेंसिटिविटी बहुत है तभी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली जीरो आता है, या लेजर के कंपेरिजन में इसकी इंटेंसिटी क्या होगी ऑलमोस्ट जीरो होती है, इल्यूमिनेशन लेजर के साथ होगा। हाउएवर ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक स्पीसीज या एटॉमिक स्पीसीज ऑफ द अपर स्टेट, ऑफ द अपर स्टेट रिटर्न टू द या कम बैक टू द मेटा स्टेबल स्टेट बाया इसको कहते हैं, ये बाया जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का जीवन में बहुत उपयोग है, दिखाई नहीं पड़ते लेकिन बिना इसके जिंदगी चलती है, आगे चलते हैं तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की बात करेंगे, अभी रेडिएटिव ट्रांजिशन की बात हो रही है, एक एटॉमिक स्पीसीज एक एनर्जी लेवल से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से दूसरी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में जाती है, डिफरेंस ऑफ दी जो एनर्जी होती है वो इमिट होती है, और वो इमिशन आप कहीं ना कहीं देखते हैं प्रोटॉन के रूप में या किसी लाइट के रूप में, लेकिन यानी एक बच्चे से आपने कुछ पूछा उसने कुछ आपको जवाब दिया ये नॉर्मल लाइट है, उसने कुछ जवाब देगा जो भी अच्छा खराब उनको समझ में आता है वो जवाब देता है, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे कि आप पूछते रहिए कुछ नहीं बताएंगे, आप कुछ भी बोलते रहिए कुछ नहीं बताते हैं, आप 100 बार से पूछते हैं खाना खाओगे पानी पियोगे सोओगे कुछ नहीं बोलते हैं, नीचे मुनट का खड़े रहते हैं, आप देखते हैं क्या था नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, थोड़ी देर में उनका मूड आता है सब आपको बताना शुरू करते हैं कि अभी हमको टॉफी चाहिए हमको गुब्बारा चाहिए हमको ये चाहिए, यानी मुंह खुला करके पहले तो खड़े थे जब आप पूछ रहे थे, तो एक प्रोसेस है अपनी वैल्यू बढ़ाने का कि अगर कोई कुछ कहे तो मत सुनिए, थोड़ी देर बाद सुनिए उसमें से देखते हैं लोग, या फिर लड़ाई कर लीजिए, लड़ाई करने के बाद कोई बनाएगा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तमाम प्रोसेस है कि मुझे कोई सुनता नहीं मुझे कोई मांगता नहीं, तरीका है कि आप गुस्सा हो जाइए उसके ऊपर और गुस्सा होने के बाद अपने आप रिकंसीडर करेगा, लेकिन टाइम लैप्स है इक्वल टू जीरो पर नहीं होगा, तुरंत नहीं बनाएगा एक बार या दो चार दिन बाद या हो सकता है एक जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी ऐसा हो सकता है, प्रोसेस है, अब ये टी कितना होगा एक्शन जो न्यूटन का था वो नहीं लागू होता है बल्कि केवल का लागू होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए होता है, सो दिस इज वेरी सिंपल कि लोग पूछते हैं कि कहते हैं हमारे घर वाले उनको नहीं पूछते, तो आप लड़ाई कर लीजिए तो उनकी बात पूछना शुरू करें अपने आप जो है, यानी लड़ाई का तरीका बस छोटी बुरी बात मानी का बदल गए, तो ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के क्या क्या इम्प्लीकेशन है जरा आगे चल के तमाम किसी को पीटा नहीं बोलता, देखिए नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन हो गया इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है, अक्सर करके ऐसा होता है कि आपको कोई नहीं पूछता कोई नहीं चाहता तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, अपना काम अपने हिसाब से करना शुरू करिए, अगर आपको ये दर्शाना है कि नहीं हमको माने ही
तो आप उससे लड़ाई कर लीजिए, नहीं लड़ाई करने का तरीका मालूम है तो कोई ना कोई लड़ाई करने का तरीका निकाल लीजिए, जबरदस्ती लड़ाई कर लीजिए। दो तीन बार अपने आप आपको समझ में आएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति से लड़ाई करेंगे वो लगातार सोचता रहता है कि हमसे क्यों लड़े, हमने तो कोई बात ही नहीं की थी उनसे, हमने तो उनसे पूछा ही नहीं था। परंतु तो वक्त आपको सिर्फ कुछ आपके पास आके कॉम्प्रोमाइज या आपने पूछेगा अच्छा बताइए क्यों लड़े, तो ये तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि जो नॉन-रेडी की ट्रांजिशन थे उसमें से ये मैथडोलॉजी थी। सपोज कर लीजिए कि आपने किसी को पीट दिया तो सिस्की लोग करके रोना लगा, उसकी जान में आवाज नॉन-रेडी की ट्रांजिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें से सब कुछ तो एक्सप्रेस कर देता है आदमी, नाक मुंह सब फड़े फड़े हो सकते हैं, होंठ फड़े फड़े हो सकते हैं, उसके होने की मुद्रा हो सकता है, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती, नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन टाइप थी। ये भी एक फार्म है उसका, और ये बहुत बड़ा आवाज से हथियार है। देखते हैं लोग कि अगर रोने पर कोई आ जाए अपने रोए नहीं पर आ जाए कि हमको रोना है, देखते हैं छोटे बच्चे ये सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करते हैं। जहाँ मुँह बनाया था लोग उनको कुछ न कुछ देते थे, उनके मुँह में डाल देते हैं, तो इस तरह की तमाम चीज़ें हो सकती है। और खेलने का उसका मानो कि आप देख लीजिए उसको घर से बाहर तमाम तरीके हैं उनके अपने। ये नॉन रिलेटिव ट्रांजिशन जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, आगे चलते भी बात करते हैं। अगर एक साइकिल स्टेट में किसी से इंटरेक्ट करना है, कोई केमिकल रिएक्शन करना है, तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये नॉन रिलेटिव ट्रांजिशन एनर्जी बाहर निकलनी नहीं चाहिए, इंटरनल अरेंजमेंट इंटरनल सिस्टम में वो ट्रांसफर हो सकती है। बॉडी के अंदर सबके सब जो भी प्रोसेस हो रहे हैं नॉन रेडिटिव, मस्तिष्क आपसे कुछ कहता है कि जाओ तुम कुछ करो, इसको मारो, इसको पीटो, बताता नहीं है कैसे करना है, कुछ बता के भेज देता है, इन्फॉर्मेशन भेज देता है, नॉन रेडिटिव थी। अगर वो रेडिएट हो जाती मुंह से खोल देता है कि जाओ इसको ठोकाओ, तो बेचारा ठोकने वाला आदमी पहले ही हो जाता, आप खुद सोचते ही रहते। तो ये बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं मोस्टली एक सेल पर जो एनर्जी है दूसरी सेल को ट्रांसफर कर देती, लॉस नहीं होता, यूज नहीं होता है। तो बहुत से एप्लीकेशन हैं कि एक्साइटेड स्टेट में इंट्रैक्शन हो सकता है, ये एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट का कोलिजन हो सकता है, बहुत से प्रोसेस हैं। या फिर किसी और मोशन के रूप में भी अपीयर कि आपके मन में आया चलो डांस कर लेते हैं तो कर लेते हैं, कोई कहे और चाहे नजर अक्सर करके ऐसा करते हैं लोग। बाथरूम सिंगर करीब करीब भरा होता है कि जिन सिंगर बहुत से लोग मिल जाएंगे खाना बनाते हैं खाना खाने लगते हैं, खाने का गाने से क्या संबंध है अब पता नहीं, लोग कहते हैं जितना गाना गा के खाना बनाइए उससे ही अच्छा बनता है। अभी इसलिए जो गाना खाना बनाने वाले होते हैं कुछ न कुछ गाते रहते हैं, या तमाम इस तरह के कुछ नए नए तरह के सोकाल म्यूजिक थेरेपी में कि गाना बज रहा हो और खाना खाइए तो टेस्टी हो जाता है। नई तरह की म्यूजिक्स आ गई कि अगर म्यूजिक बजा करके खाइए, कैंडल जला करके खाइए, अंधेरे के बजाय जाने में खाइए, तो खाने का टेस्ट बदल जाता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको कि फोटॉन की वजह से कैसे खाने का टेस्ट बदलता है। आप अंधेरे में खाइए, आप रजाई ओढ़ लीजिए अंदर खाते रहिए, ऐसे लोग अच्छे लोग जो भी अच्छी चीज़ पा जाते हैं खाना रहते हैं, लेकिन ऐसी चीज को कभी नहीं बताते कि मम्मी बहुत अच्छी थी या पापा बहुत अच्छा था, जाते पड़ जाएगी तो थोड़ा बहुत खाया भी है तो कभी नहीं बताते कि ये चॉकलेट अच्छी है, जबकि अगर सार्वजनिक तौर पर उनको दे दीजिए हैप्पी लाइफ हो, किसी की शादी पर आप कहते हैं रसगुल्ला पापा बहुत अच्छा चलो दोबारा मुझे, या आप देखते हैं इस तरह की पोजिशन थी। तो अब नई तरह की जिसकी जरूरत हो रही है ये लाइट की प्रेजेंस में ये ईटे वाला आइटम कैसे टेस्टी हो जाते हैं, कैसे और प्रोमोटिव हो जाते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें नए बनाने आ रहे हैं। और इसलिए तमाम म्यूजिक आप देखते हैं जो भोजन करते हैं अक्सर करके इस तरह के रेफरेंस में आप देखते हैं कुछ ना कुछ गाना बजाना चलता रहता है। हो सकता है पूरब का हो सकता है पश्चिम का हो सकता है कहीं और जगह का हो, तो जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं खासतौर से ये जो टेम्पो टैक्सी वाले लोग हैं तो उसको खत्म करने के लिए उससे ऊंची आवाज उनके साथ होनी चाहिए। अगर कोई ट्रेन में कोई गार्ड है और ट्रेन की आवाज चलता रहता है उसके कान में कंटिन्यूस साउंड उठती रहती है, तो उससे ऊंची जब साउंड करिए तब उसको ट्रेन बंद सुनाई पड़ती है, अदरवाइज वो ट्रेन नहीं चलता रहता, हो सकता है खाए ना। तो ट्रक के आदमी के साथ या टेम्पो के लोगों के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि चूंकि उसमें आवाज़ चलती रहती है तो वो खाना तब खाते हैं जब उस आवाज़ से ज़्यादा भी
डिसेबल की साउंड उनके पास होगी। प्रॉब्लम ये है उसमें से आप इंफॉर्मेशन बैठते हैं उसमें भी देखते हैं और साउंड वाला पैनल और स्प्रिंग हो जाए तो वो और तब खाता है और उससे भी ज़्यादा आवाज। अब इस तरह की आवाज वहां से आएगी जिनके घर में मान लो सिस्टम नहीं है ऐसा भी हो सकता है तो उनके घर में जो घर में बगल में रहते हैं वो कंटिन्यूसली कुछ खाने बताते रहते हैं यानी वो भी इंक्लूसिव होता है। जो घर का आदमी है मम्मी है सारी कहानी उसी जितनी भी दुनिया भर की दिन भर की कहानी होगी उसी समय बता डालेगी खाने में ही कि अब इसके बाद पता नहीं मौका मिले न मिले सब बता दो। अगर म्यूजिक सिस्टम नहीं बज रहा है तब होगा जब म्यूजिक सिस्टम या म्यूजिक नहीं बज रहा हो। अब सवाल है कि म्यूजिक का किसी आदमी के कन्वर्सेशन से कोई संबंध है क्या? तो है क्या रिसीवर के टर्म में जिसके टर्म में साउंड वही होगी जो आवाज़ होती है पीरियडिक फ्रीक्वेंसी की आवाज़ वही होती है जो कान से सुन रहे हैं लेकिन कभी कभी घंटी टूटी टाइम लैप में अलग अलग होती है। म्यूजिक में टाइम रेट जो है ज़्यादा फास्ट होता है तो इन सर्वर ये जो नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन हैं ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोग एक खाने की मेज पर बैठे हों दोनों अपना अपना खाने चुके तो अपना खा लो अपना खा लें। चिड़िया भी खाती है तो चू 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 करती है बोल करके ही खाती है ये भी वो संगीत है या ये भी उसका जो सो कारण साउंड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने का तरीका है ये उसी के लिए नहीं हर जानवर के लिए बैठे तो नई फिजिक्स आ रही है कि म्यूजिक के साथ कौन सा म्यूजिक बजाया जाए कि कौन सा खाना आपको अच्छा लगे ये भी हो सकता है या तो एक म्यूजिक में एक खाना अच्छा लगे दूसरा म्यूजिक बजा दिया जाए दूसरा खाना अच्छा लगने लगे तो ये नई तरह का कुछ या खाने में ही म्यूजिक डाल दिया जाए आते ही दो लोग है चटपट लोग करते रहते हैं चाट खाने वाले चाट कम खाते हैं फटफट ज़्यादा करते हैं आते हैं तो हो सकता है कि इस तरह के तमाम लोग हैं उनमें इस तरह के तमाम एक्सपेरिमेंट आपके सामने आ रहे हैं कि गोल गप्पा खाएंगे तो पक से आवाज होगी या कुछ और इस तरह की चीज़ें लेके इस तरह के बच्चों के तमाम खाने आते हैं आप देखते हैं और खाते तो कुछ न कुछ जो है तो अपने स्तर पर दैट इज ये माया नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस का कुछ कमाल है या ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में साउंड आपको सुनाई पड़ सकती है लाइट नहीं निकले ऐसा भी खाना हो सकता है कि आप कुछ खाए और लाइट निकलने लगे ऐसा भी हो सकता है। ये प्रोसेस था उल्टा की बात कर रहे थे कि भोजन में ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो देर इज एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन दस दस ए लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक स्पीसीज एटॉमिक स्पीसीज इज द लार्ज नंबर ऑफ आर फाउंड इन द मेटास्टेबल स्टेट एंड देयरफॉर द कंडीशन ऑफ population inversion, the condition of population inversion is achieved between the metastable state to the lower state or downward state, the lower state or ground state. उसके बीच में नमी करके आपको क्या होगी मेटास्टेबल स्टेट और उसके देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी देयर इज ए नॉन जीरो स्मॉल एंड फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पॉन्टेनियस मिशन from the metastable state to the lower state
ये इसको ऐसे कह सकते हैं ए आई के और ए वन टू लिखा था हमने, ए टू वन लिखा था, ये इस्तेमाल है। और तब क्या है, कम से प्रोबेबिलिटी है वो होना तो चीज चाहिए, तो रिलेशन है मेटास्टेबल उसको कहते हैं, इससे स्पॉन्टेनियस रिविजन प्राइवेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी हमें कहते हैं इसको दिस फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दिस विल गिव राइज, दिस विल गिव राइज ए स्पॉन्टेनियस रिविजन। अब जो रेडिएशन आपने स्पॉन्टेनियस होगा फोटोनेशन का मिलेगा आपको, ये रेडिएशन या रेडिएशन आपने दिस रेडिएशन का, दिस रेडिएशन आपने, दिस रेडिएशन आपने कौन से ये आया, पाया स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, पाया स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन से आपको रेडिएशन मिला, दिस रेडिएशन this radiation आपने interact with the atomic species atom कह सकते हैं, atoms of the metastable state and अभी ड्रेस रहेगा, इसको क्या करता है, फोर्स करता है to come down in the lower and force to return back the atomic species to the lower state or ground, the lower or ground, ये force करता है क्या, ये नीचे वाया ये process क्या होगा इसकी वजह से, अब क्या होगा ये लोड किया इसलिए क्योंकि रेडिएशन डाल रहे थे वाया से आप शुरू कर दीजिए चलिए थ्रू दी स्टिमुलेटेड इन अदर वर्ड इस बहुत सिंपलीफाई करें इन अदर वर्ड स्टिमुलेटेड इमिशन हमने बात की थी, बात है स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए स्पॉन्टेनियस इमिशन का होना जरूरी था, P2L इसको कांस्टेंट था CQ डिवाइडेड बाय SW और A2L का हमने कहा था स्पॉन्टेनियस इमिशन का होना जरूरी है। तो इन अदर वर्ड्स द फोटॉन इमिटेड बाय द स्पॉन्टेनियस इमिशन स्टिमुलेट का मतलब फोर्स करना है, एक्साइट करना है, स्टिमुलेट द एटम्स ऑफ द मेटास्टेबल स्टेट, एटम्स ऑफ द मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट टू, अब ये काम डाउन का लोअर स्टेट होगा और आईओटी टू होगा, नहीं होता है अगर ये आइडियल मेटास्टेबल स्टेट नहीं होगी, अगर ये सेकंड स्टेट हो गई मेटास्टेबल स्टेट में होगी परफेक्ट मेटास्टेबल स्टेट होगी तो होता है, इसलिए बहुत से मटेरियल से जिनमें से मेटास्टेबल स्टेट अगर इंक्रीज करती है तो नहीं होता, तो मेटास्टेबल स्टेट आप उसके लिए फिर अलग से कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, यू कैन मेक एक और मटेरियल जिसकी एनर्जी लेवल से मैच करती हो उसको इसमें डाल करके फ्यूज कर देंगे तो मिक्सिंग हो सकती है, कांचन कंपाउंड बना, आइडियल केस में नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई और पैरल जिसकी एक्साइटेड स्टेट मैच करती हो उसको मिला देंगे तो प्रोसेस हो सकता है। तो ये एटम्स ऑफ द मेटास्टेबल स्टेट टू द लोअर स्टेट बाय स्टिमुलेटेड एटम्स मेटास्टेबल स्टेट थ्रू कर दीजिएगा इसको, थ्रू या पाया हो सकता है थ्रू दी स्टिमुलेटेड दस दस दी
स्टिमुलेटेड इमिशन आता है या बिना आप स्टिमुलेटेड इमिशन आता है इमिशन आफ्टर बिटवीन दी मेटास्टेबल स्टेट डेटा स्टेबल स्टेट टू द लोअर स्टेट आर डाउन स्टेट टू द लोअर स्टेट आर डाउन स्टेट नाउ द रेडिएशन इमिटेड इन स्टिमुलेटेड इमिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है द रेडिएशन इमिटेड During the stimulated emission या by the stimulated emission कह सकते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी stimulated emission की कि जो भी प्रोटॉन्स होंगे वो यूनिट डायरेक्शन में होंगे during the stimulated emission कंडीशन होगी एक कंडीशन होने को यदि थ्योरी ऑफ थ्रेशोल्ड कंडीशन दी थ्योरी ऑफ थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर द लेजिंग एक्शन
मटेरियल मीडियम या इसी को मटेरियल मीडियम कुछ में लेजर होता था उसको क्या कहते थे एक्टिव मीडियम मीडियम इन विच द लेजर एक्शन टेक्स प्लेस ऑन द एक्टिव मटेरियल मीडियम में से तो लेजर एक्शन के लिए कहा गया था तीन कंडीशन मटेरियल सेटिस्फाई करें पहला ऑप्शन है कंडीशन ऑफ ऑपरेशन इन्वर्जन होनी चाहिए आपने कोई भी मेथड लगा के उसमें ऑपरेशन ऑफ इन्वर्जन अचीव कर लिया दूसरी कंडीशन कही गई थी उसमें एक्साइटेड स्टेट और नॉर्मल स्टेट के अलावा तीसरी बात उसको आप एक सो कॉल्ड कैविटी के अंदर एक शीशे से बनी हुई जिसमें दो लेंसेज हो या तो मिरर हो उनकी क्या प्रॉपर्टी थी कुछ बात की गई तो ऐसे मीडियम को कहेंगे इसमें से लेजी एक्शन हो सकता है फिर भी मिनिमम कुछ कंडीशन है ऑलवेज नहीं होगा तो उसी को कहेंगे क्लियर फैशन कंडीशन फॉर लेजी एक्शन एनी मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज बाई ये शेल वाइन टाउन से S C H A U L O शेल वाइन टाउन ये टाउन एक्चुअली इनका टीचर था मोबाइल का शेल वाइन था ये फॉर्मूलेशन पूरी बात को भी फॉर्मूलेशन कैन बी अंडरस्टूड या डिस्क्राइब किया जाता है अंडरस्टूड एस वाइन कोई हम इसमें से क्या करेंगे कुछ कोई जो है कैविटी प्रोसीडर करेंगे मान लिया हमने एक मटेरियल मीडियम लिया उसको एक कैविटी के अंदर बंद कर दिया उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश कर दी इसका मतलब अब हमको लेजर मिल जाएगी बटन दाबे लेजर लेकिन ये कहते हैं कि कुछ उसमें कंडीशन है मिनिमम तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है तो आप एक पहले बनाएंगे कि सपोज करिए आपके पास ये एक्टिव मीडियम है या ये मटेरियल मीडियम है कोई हमने एक ये मटेरियल मीडियम था इस मटेरियल मीडियम में एक्टिव मीडियम है या मटेरियल मीडियम है इसको हमने भर दिया किसी मटेरियल ये मटेरियल मीडियम कैसा है असेंबली ऑफ एटम्स है इसमें और वो एटम्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड डिस्क्राइब बाई यूनिवर्सल लेवल्स को यूनिवर्सल लेवल से डिस्क्राइब कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स जनरल यूनिट होंगे इसको हमने कुछ सपोज कर सकते हैं आप प्लेन मिरर बना सकते हैं जो भी तरीका था कि बल्ब लगाना था तो बल्ब लगा दिया कुछ इस तरीके से इसमें से ये हमने बल्ब लगा दिया या ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकाइजेशन जो भी केवल पंपिंग में कहते जब उससे किया कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन इज इज नथिंग इट इज ए पंपिंग पंपिंग में कहते हैं जो इस मशीन के लिए चल रही थी आर कॉलेट एक्टिव ये दो मिरर थे इनको हम सिल्वर्ड कर देते हैं ये परफेक्टली सिल्वर्ड है और ये पार्शियली सिल्वर्ड है दो मिरर हैं नॉर्मली मिरर के कुछ नाम होती है रेजोनेटर वर्ड होता है इसलिए आर वन और आर टू एम वन और एम टू कह सकते हैं जो इसमें इसलिए आर वन आर टू ये परफेक्टली सिल्वर्ड है परफेक्टली सिल्वर्ड का मतलब क्या होगा इसे जो लाइट डालेंगे वो रिटर्न हो जाएगी वो बाहर की तरफ नहीं ये प्लेन भी मिरर हो सकते हैं ये काम के भी हो सकते हैं दोनों सकते हैं ये पार्शियली सिल्वर्ड है यानी इसमें से जो डालेंगे कुछ पार्ट इसका जो है लॉग आएगा या ये कह सकते हैं कि पूरा पार्ट इसे निकलेगा नहीं जो रेडिएशन गया ये लॉग करके कुछ इधर इस तरीके से आपने इस मीडियम को एक्सपोज किया किसी रेडिएशन से ये रेडिएशन वाले वेफर था ये कुछ आ रहा है इसके अंदर ये इसके अंदर जाएगा फिर यहाँ से निकलेगा फंक्शन क्या था कि ये किसी तरीके से एम्पलीफाई हो जाए लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड डिफ्यूजन ऑफ रेडिएशन तो ये लाइट एम्पलीफाई हो जाए तो लाइट एम्पलीफाई होकर के कुछ यहाँ मिली आप पैसे जा सकते हैं नॉर्मली ऐसी भी चलती है तो ये कुछ ना दिया गया ये लाइट एम्पलीफाई होकर के आपको लेजर डिफ्यूजन या ये लेजर रेडिएशन या लेजर डिफ्यूजन है, ये सिंपल फिजिक्स थी या सिंपल प्रोसेस था
ये सिंपल जो है थिंकिंग थी हमारी भी मटेरियल मीडियम में उसे करते एक कैविटी के अंदर और एक एश्योर करें कॉन्क्रीट का जब बाहर से कुछ लाइट डाल दें इंट्रैक्शन करें तो इसके अंदर लाइट एम्प्लीफाई होकर के मिलना चाहिए। मान लीजिए सब आपने कर दिया, आपने भगवान की दीपक जला दिया, आप खड़े भी हो गए हाथ जोड़ करके, प्रसाद भी चढ़ा दिया, अब भगवान करके कोई शीतल देख लगा कि आपकी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं। अगर कोई आकाशवाणी हो जाती क्या बच्चा तेरा भला होगा या ऐसा कुछ नहीं होता है, देखते हैं तमाम भगवान के सामने पूजा की जाती है, वो प्रोसेस जो है हम सब कुछ करते हैं। आजकल के में नया प्रोसेस दिखाते हैं कि चौपट पे जाइए, भगवान को खूब गाली दीजिए, अपना कपड़ा पाइए तो भगवान अपने आप चौपट जाते हैं। बहुत पुराने में एक ही आदमी के साथ ऐसा होगा, वो भगवान का हाथ थे, जब कुंड भी गायब हो उसको तब भी वो कहते भगवान इस खंभे के अंदर भी है, भगवान निकल आएगा इसे पाई थे, बाकी सब के केस में कभी पड़ा नहीं था, तमाम लोग पूजा उजा करते रहे लेकिन बात भगवान नहीं मिले केवल भगवान रात को मिले और वो तमाम कारण हो सकते हैं उसके उन्हीं के साथ कुछ ऐसा हुआ। ये सारा प्रोसेस आपने किया, मान लीजिए कि एक एक्टिव मीडियम लाए तो मेरा ले ले और मेरा घर को कटवा सकते हैं, उनको रख दीजिए, आप एक क्रिस्टल ले लीजिए, ऊपर से बल्ब लगा दीजिए खूब बड़ा सा। अब सवाल है कि लेजर भी जानी चाहिए, तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है आप कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट करना है कि दो छोटे छोटे मिरर ले लीजिए कहीं से काट, तमाम बच्चे पहने रहते हैं कपड़े उनका दो सौ नोच लीजिए या इनसे मांग लीजिए जो भी बच्चे जो करते हैं, राजस्थानी कपड़ों में देखते खूब शीशे लगे हो, अच्छे अच्छे शीशे लगे हो, धुल डालिए किसी चीज़ से मिट्टी के तेल से लेकर के और आपने उसको लगा दिया, कोई मटेरियल उसके अंदर जो आपको अच्छा लगे चॉकलेट वॉकलेट काट पीट करके रख दीजिए, साबुन की छोटी सी टिकिया रख दीजिए, ऊपर से एक बल्ब लगा दीजिए, आपके पास मोबाइल है उसी का टार से दिखा दीजिए तो आपको लेजिंग एक्शन कर सिस्टम बन गया, देखिए तो मॉडर्न बात है। नाउ द बिग क्वेश्चन कि लेजर बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो बना लाइए आप लोग सबको प्रोजेक्ट करना है, और नहीं बनेगी तो कुछ अपना सोच के बनाइए, देयर मस्ट बी सम कंडीशन फॉर दैट। तो ये टर्म्स कहते हैं ऐसा सब रखने से बनेगा नहीं, क्या क्या दिक्कतें होंगी ये भी कुछ आगे बात कर रहे हैं इसमें से। ये प्रोसेस है लाइट को किसी तरीके से एम्प्लीफाई कर रहे, इसलिए हमने पार्टी पर बैठ कर ये मॉडल की बात इसलिए की जाए, इतना महंगा नहीं है, लोग बताते हैं लेजर इतनी महंगी है इतनी महंगी है कि आप मुझे कल किसी से मैं था एक केमिस्ट्री फाइनल की बच्ची आई, वो बोले हमको आपसे कुछ बात कर ली, हमने कहा हमने तो नहीं रोका, आप बोलिए हमारे पास मिले होंगे हमसे और ठीक उसने कहा आपने जिंदगी में लेजर नहीं देखी है और टाइम का आपने लेजर देखना है, मैंने कहा टाइम का लेजर देखना कि बहुत सी लेजर देखनी है आपको, लेजर बहुत सी हो सकती है, एक ही तो लेजर होती है, इसका मतलब है आपके पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बहुत सी लेजर हो सकती है, अगर आप खरीदने पर आ जाएँ तो एक एक वेवलेंथ की फिर सारी खरीद लेंगे, वो कम से कम 200 नैनोमीटर से लेकर के और 700 नैनोमीटर तक या जितना आप सोच सकते हैं 25,000 नैनोमीटर तक की, तो ये तो बहुत हो जाएगी, हिंदी में पैसा में भी आती है, लेकिन कुछ ऐसी है जो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने हीलियम नियॉन लेजर देखी है, तो बच्ची का कहना था हमको देखना है पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे होती है, तो हमने उसको बताया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन दोबारा पर लाइट लगा देंगे तो उसके बाद अपने आप होने शुरू हो, किसी बच्चे को सो रहा हो ऊपर थोड़ी सी लाइट लगा दीजिए और रोना शुरू कर देता है, देखिए हो गया पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेकिन वो दिखाई तो नहीं पड़ा कैसे हुआ, फोटान गया इंटरेक्ट किया तो सो रहा था, क्या हुआ उसके साथ जिससे उठ करके भाग गया, किसी भी बच्चे को आप देख के लाइट वाइट जला देते हैं तो वो सब करते हैं। बड़ा सवाल ये है कि फोटान बहुत छोटा सा पार्टिकल था, साइजलेस पार्टिकल था, ये प्रक्रिया तो क्लासरूम में बताई जा सकती है कि ऐसे हुआ लेकिन फोटान नाइट लाइट में दिखेगा नहीं क्योंकि वो खुद ही मास्टरस है, लेकिन उसका इम्पैक्ट दिखेगा, यानी बहुत से फोटान जब एक साथ डालेंगे तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपको समय के साथ दिखेगा, या कोई इफिशियंट डिवाइस हमारे पास हो जिससे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका आपका जनरेटर बहुत लिमिटेड है जो विजिबल लाइट को डिटेक्ट करती है। पहली चीज़ की वेवलेंथ इसकी 400 से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच में हो, दूसरी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसके नीचे की लाइट को नहीं देखी गई है, उसके ऊपर की लाइट को यानी मिनिमम वेवलेंथ उसके ऊपर कोई देखेगी वो 400 है यहाँ पर 400 की, फिर इसी तरह मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी फोटॉन भी होने चाहिए कि अगर मान लिए कि 4 फोटॉन डाले हो सकता है कुछ दिखाई नहीं पड़े, हो सकता है उसी के 4,000 फोटॉन डाल दीजिए तो आप बताने लगे कि हाँ लाइट है, तो सेंसिटिव डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट के, और जो पुराने लोग हैं एजियल पर्सन हैं
वो सेंसिटिव नहीं होते हैं। पापा जी के ऊपर रजाई का दो बाल्टी पानी डाल दीजिए तब भी वो सोते रहते हैं, लेकिन किसी छोटे बच्चे को कुछ भी कर दिए खुर खर वो सबसे पहले बैठ जाता है, क्यों तो वो इतना सेंसिटिव होता है कि आप जग करके उसके सामने लंबी सी टकार लीजिए तो देखने लगता है क्या हो रहा है। देखिए उनकी सेंसिटिविटी इतनी होती है या इतने सेंसिटिव होते हैं, ऐसे ही उनकी आँख सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, इवन कि आँख बंद होती तब भी वो सब दिखाई पड़ता है। आप उनके बगल में उनको सलाह दीजिए आँख बंद दिखती है लेकिन आप सपना शुरू करें तो बाद सोना शुरू कर देते हैं, कैसे पता लग गया, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी बंद आँख के बावजूद भी उनको यहाँ स्किन पोरस होती है। सम ऑफ द प्रोटॉन इज पासिंग थ्रू दैट, दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। आप धूप में रहते रहते आपके सारे प्रोटॉन स्किन में इस तरह का कुछ जो है टैनिंग करते हैं कि सब छेदी बंद कर देते हैं सेंसिटिविटी के, यानी जो सेंसिटिविटी है धूप में रहते रहते खत्म हो जाती है। 4 प्रोटॉन बढ़ जाए धूप में तो आपको पता नहीं लगेगा, 150 प्रोटॉन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कुछ पर हैवी क्यों हो जाते हैं हम लोग। सो दैट इज ईयर की अगर तुम कुछ करें उसी को ज़्यादा लिखते हैं, लेट अस कंसीडर पूरी बात को लिखेंगे कि जो मॉडल था इसको लेजर बनाने की बात करें तो वेरी स्मॉल था, आप इसको बना सकते हैं, छोटी सी बैटरी ले सकते हैं, लेजर काट सकती है, उस प्लास्टिक के पाइप को ले लीजिए, एक तरफ एक मिरर लगाइए दूसरी तरफ दूसरा मिरर लगाइए, यानी एक मिरर को लगा दिया पश्चिमी सिलवट इधर तरफ को सिलवट है दूसरी तरफ एक क्रिस्टल के कोई पत्थर वत्थर की पैसा है या कोई और भी बात आ रही है किसको डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके अंदर रख सकते हैं, यानी लेजर बनाना कितना ही हो सकता है ना बने नहीं बनेगी तो फिर सोचा जाएगा, लेकिन वास्तव को आप समझा सकते हैं, यानी बहुत सी चीज़ें हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन में बहुत हाई कंडेंसेशन प्रिंसिपल है, पॉपुलेशन इन्वर्जन का वो थोड़ा कंसीडर। उस बच्ची का यही कहना था कि हमको ढेर सारे लेजर एक साथ देखिए, 1000 लेजर एक साथ देखिए, हमने कहा इस तरह की लेजर कितनी लेजर नहीं मिलती है, इसको बनाने के तरीके हमारे पास एक होती है उससे 25 बना सकते हैं, पंपिंग मैकेनिज्म एक को डालेंगे दूसरी निकलेगी दूसरी को डालेंगे, ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा की निकाल सकते हैं 4 ओमेगा की निकाल सकते हैं या ओमेगा ज़्यादा कर सकते हैं, एक होगी आपके पास एक पल है, एक एक पल मान लिए 10 खरीदे किसी को 10 ज़रूरत है तो आप क्या करते हैं 10 जोड़ करके दे देते हैं, 10 के बराबर एक पल नहीं देते। हेलमिन जी एक वो शब्द है इलाहाबाद में चाहे वाटरमैन सब लोगों ने सुना होगा, छोटा सा एक होता है उसको हेलमिन जी कहते हैं, कहीं कहीं पर चले जाओ तो कलीदा वो उसने इतना बड़ा होता है पूरे परिवार का 50 लोग जब खाते हैं जितना वो 3-4 लोग मिलकर उसको उठाते हैं। आप सोचिए कि अगर किसी खेत में पैदा हो जाए चोरों को ले जाना हो तो कोई उठा ही नहीं सकता, उसको उठाने के लिए 5 लोग चाहिए, तो इस तरह का प्रोडक्शन पहले होता था, आजकल लोगों ने बंद कर दिया, आजकल हेलमिन जी पैदा करने लगे कि आपको अकेले खाना है आप काट के खा सकते हैं, नहीं खाना है चुरा के ले जाना है ले जाइए, आप जितना ले जाना चाहते हैं। आपने लौकियाँ ले जाते हुए लोगों को देखा होगा, उसको सन्दे में ले जाता है, फिर लड़का भी ले जाता है, लौकी लोग सिखा के भी ले जाते हैं, आप देखते हैं झोले वोले में देखते थे दिखाते हैं कि है हमारे साथ तो उसमें आयरन होती है या सफाई है, ये जो तमाम लेजर्स हैं तमाम सवालों में ये लोग हमको बहुत पढ़ाए, और एक लेक्चर होगा आपके सामने और लेक्चर की डेट आप लोग तय करेंगे अभी, तो सोचा गया उसमें कि क्या प्रासंगिकता है लेबोरेटरी की, क्यों लेबोरेटरी होनी चाहिए, मैं सवाल दिमाग में आया कि बच्चों को लेबोरेटरी क्यों चाहिए, बिना लेबोरेटरी के सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग इंटरनेट वाला लिए हुए हैं घर पे मोबाइल लिए उसी से पढ़ लेते हैं, लाइब्रेरी की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है लाइब्रेरी, ये सब खत्म कर दीजिए तमाम पैसा गवर्नमेंट का जा रहा है हर रखाव में किताबों के खरीदने में, कोई जरूरत नहीं आपके पास मोबाइल है, लेबोरेटरी की कोई जरूरत नहीं, टीचरों की कोई जरूरत नहीं, तमाम वीडियो पड़े हुए हैं कहीं से भी निकाल लीजिए, हमारे जैसे सवाल लोग बोल रहे हैं इससे अच्छे से वायरस रिकॉर्डर लगा करके लोगों ने डाल रखे हैं, तमाम आप देख सकते हैं साइड आपको मालूम होंगे बहुत से लोग नाम से पढ़ते होंगे, या फिर जो तमाम साफ होते हैं इनकी कोई प्रासंगिकता है क्या, कोई जरूरत है क्या, अगर लेक्चर वाइज पर होगा कि लेबोरेटरी के बिना क्या नहीं हो सकता है या आप क्या पढ़ सकते हैं जिसमें प्रयोगशाला की जरूरत पड़े, आप फार्मा चाहे रख सकते हैं किसी प्रयोगशाला की जरूरत है दे रही है वहाँ मिल जाएगी मिल जाएगी पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेबोरेटरी में तो पता लग सकता है कि मान लिया हमने नहीं देखी वो अलग बात है, लेकिन आप उसको कुछ कर सकते हैं, तो जरा एक लेक्चर होगा इसकी प्रासंगिकता का है कि क्या बिना टीचर के क्लास हो सकता है, क्या टीचर किस लिए जरूरत है, काटने के लिए नंबर काटने के लिए या कुछ और करने के लिए, तो ये कुछ आगे इस तरह की प्रासंगिकता है बड़े सवाल गवर्नमेंट की तरफ से उठ रहे हैं, सारे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए कि कोई जरूरत नहीं, सारे प्राइमरी को बंद कर देना चाहिए, आजकल देख रहे हैं प्राइमरी वालों को भी सोचना चाहिए कि उनको कुछ करना है,
टीचरों को भी कुछ सोचना चाहिए, उनको कुछ करना है। सारे लाइब्रेरी तो कोई नहीं पढ़ता, लाइब्रेरी टिफिन सेंटर हो गए, सब टिफिन ले लेंगे आप वहाँ पर खाते हैं जा करके, और मना कर दीजिए कि नहीं खाना है तो कहते हैं क्यों मना करते हैं। वो इसलिए मना किया जाता है कि वहाँ चूहे बहुत चले आते हैं, आपके जाने के बाद चूहे चूहे उस लाइब्रेरी में दिखते हैं। तो जितनी किताबें भूखे में खाना तो मिलेगा नहीं, खाना तो आप ही खाते हैं, कोई जादू मंत्र वाला या पूजा वाला आप छोड़ के जो थोड़ा बहुत आते हैं वही बचता है। तो चूहे फिर वो सत्यानाश करते हैं किताबों का कि फिर वो अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। इन अदर वर्ड्स ये जो तमाम प्रोसेस हैं लेबोरेटरीज के अंदर हम क्या देख सकते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट करते समय जो किताबी ज्ञान को ध्यान रखना होता है, आंसर कुछ मिलेगी आपको बताया जाएगा। या ये तमाम नोबल लॉरेट्स जो हैं, आपका कोई नोबल लॉरेट फ्री हो सकता है या कोई विषय फ्री हो सकता है, तो जरा उस पर कुछ बात होगी कि कैसे हम क्या करते हैं जब आकाश सोच के काम करते हैं। तो जरा उसके पहले कि ये सब कुछ आपने बना लिया, सपोज के लिए टमाटर रखे लो शीशे लगा देते हैं, टमाटर आपके पास होगा उसको बीच में रख दीजिए, किनारे किनारे रख दीजिए, एक छोटा सा बल्ब कोई लगाइए जिससे उसमें लाइट डालिए, आपकी कल कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए टमाटर से लेजर निकल सकती है, या कोई भी मटेरियल रख सकते हैं, आप एक पत्ती रख सकते हैं, लीक रख सकते हैं इस सरफेस में, उसमें लाइट डालिए क्योंकि उसके अंदर तो मटेरियल सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या एटम मॉलिक्यूल सब है, उसने खुद तो है उसके अंदर, तो स्टेबल कर लीजिए उसे, एटम्स तो होंगे भारी संख्या में होंगे, लेजिंग लेजर एक्शन क्यों नहीं हो रहा या किस तरह के मटेरियल की जरूरत है उस मटेरियल को रिप्लेस कर दें। लेकिन अभी तक जल्दी से लेजर को बनाने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि उससे जब कहिए कि दो मिरर ले आइए तो कहते हैं 500 घर में मिरर रोज देखता है, लेकिन वो टूटा हुआ उसका घर का मिरर पता नहीं कहाँ फेंक देता है। तो हम लोगों ने ढेर सारे मिरर इकट्ठा करके रखे हैं, आप देखते हैं फोटोग्राफी के सामने जाएंगे या पार्कों में रखे हैं, कोई बनाने वाला नहीं, सामने कटवा सकते हैं, वर्कशॉप में कटवा सकते हैं, कोई अटेम्प्ट करने वाला नहीं, थोड़ा सा बनाए सेमी कंडक्टर मटेरियल है, तमाम बालू पड़ी हुई उसको खाली कितनी में रख के गर्म करना है, कटोरी में रख के बालू 200 डिग्री तक गर्म करना है, आप नहीं गर्म कर सकते चले जाइए मूँगफली वाले के यहाँ कहिए साहब उसको जरा गर्म कर दीजिए, उसको साहब आप बोल देंगे बड़े आराम से फ्री में गर्म कर देंगे, लेकिन कहे गर्म करो जो तरीका है उनसे काम लेने का, भैया आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है मिट्टी में, आपके पास ज़्यादा टेम्परेचर जरा इसको हटा के दिखाओगे तो थोड़ी गर्म दो तो तुमको उतना ही 50 ग्राम मूँगफली का पैसा दे देंगे, देखिए अभी तुरंत गर्म कर देगा, अब आपको सिल्वर मिल जाएगा वहाँ से, तो जरा कोशिश करिए ट्राई वाले टाइटम डालिए कुछ डालिए उसमें से, तो एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये है कि कुछ और मटेरियल लीजिए उसको पानी में डिजॉल्व कर दीजिए, दूसरा जो प्रैक्टिस में पानी में डालती है तो आपको मल्टी अटामिक ये जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है करते करते तरह से कटोरी में पानी लिया नींबू को छोड़ दिया बस हो गया, ये सब लोग करते रहते हैं हाथ धोकर चले आते हैं, धोख करके मुँह करके चाट करके रखे देते हैं, लेकिन इम्प्योरिटी डाल के मटेरियल नहीं बना सकते हैं। अगर यहाँ बना करके बताया जाए किसी को और थोड़ा बड़ा करना है छोटा, लेकिन अगर किसी कच्चा एक दो के बच्चे को बता दिए कि यू हैव टू मेक इट, तो देखिए वो क्या करेगा, सो नहीं सकता पहले बनाया हो उसको, चाहे गलत बने हो चाहे सही, मिट्टी का उसको अगर एक थोड़ी देर के लिए एप्पल बनाना है तो बनाएगा, चाहे टेढ़ा बने चाहे लड्डू बने चाहे जैसा बने, लेकिन बनाएगा जरूर चाहे हाथ उसके गंदे हो, ये जरा अभी उन लोगों के साथ चीज के साथ ठीक है, सो कॉल्ड टीचर प्रोफेसर कुछ और नहीं करता तो जा ही नहीं सकता, ये सिस्टम को लेटेस्ट कंसीडर की क्या है, और कुछ लोग भाई टू हमने फ्लेम कर दिया है, आपका फ्लेम आर कान के बैर कान के बैर कान के बैर तो और कान के मिरर्स को कान के बैर आर वन है आर टू, आप एम वन एम टू भी देख सकते हैं, लेकिन कैविटी कितनी है ये रिजर्व है आर वन और आर वन है आर इन विच द फर्स्ट मिरर फर्स्ट मिरर हमने यहाँ पर फर्स्ट मिरर को नाम दे दिया आर वन इज परफेक्टली सिल्वर्ड, ये मटेरियल सिल्वर्ड में सिल्वर्ड में इसको हमने को लगा दिया, पुराने जमाने में सिल्वर लगाते थे इसलिए इसको सिल्वर्ड कहते हैं, कोई चीज ऐसी लगाते हैं जिससे परफेक्टली रिफ्लेक्शन इमेज फर्स्ट मिरर इज परफेक्टली सिल्वर्ड, व्हाइल दी सेकंड मिरर
अब इसके अंदर हमने एक एक्टिव मीडियम, एक मटेरियल मीडियम, एक मटेरियल और एक मिरर से निकल गई
दूसरे मेयर के पास गई तो क्या हुई, तो उसके पास जो कंप्लीटली शॉर्ट था उसे रिटर्न बैक हो गई, दूसरे से वो कुछ पार्ट उसका निकल गया, कुछ तो ऊपर ही हो जाओगे, तो फीडबैक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि पार्ट एक फ्रैक्चर ऑफ दी लाइट व्हिच इज गोइंग टू इमर्ज फ्रॉम दी सेकंड मिरर, वहां से लौट होकर के पहले में हम क्या करेंगे उसको सुपर इम्पोज कर देंगे। सो इसको कहते हैं निगेटिव फीडबैक सर्किल फॉर्मेट या फीडबैक सर्किल। तो ये पार्ट ऑफ दी इमर्जिंग लाइट जो पहले राउंड में जा रही थी इज अगेन सुपर इम्पोज टू दी इनपुट लाइट या इनपुट सिग्नल जिसको कह सकते हैं, और ये प्रोसेस कई बार करते हैं जिससे तो ड्यूरिंग दी एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग दी एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस ऑफ दी रेडिएशन, ड्यूरिंग एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ए पार्ट ऑफ दी लाइट, ए पार्ट ऑफ रेडिएशन बोल रहे हैं हम तो रेडिएशन से इस्तेमाल करेंगे, ए पार्ट ऑफ दी रेडिएशन, ए पार्ट ऑफ दी आउटपुट रेडिएशन होगा वर्ड आउटपुट रेडिएशन जो बाहर की तरफ जा रहा था इज अगेन सुपर इम्पोज, अगेन सुपर इम्पोज क्योंकि हम अभी इनपुट नहीं अच्छा लगता तो ये इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन लाइक द फीडबैक सर्किल इन इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे फीडबैक है कि अगर आपके कान में सुनाई पड़ रहा है तो और सुन करके फिर दूसरा भी थोड़ी सी बात कान दूसरे के कान में बता देता है, आपने देखा मान लो किसी को कुछ कहा तो तुरंत आपको कान में बताता है कि देखिए आपने गलती कर दी आप इसको सही कर दिए, मंत्री मंत्री बोलते तो उनके पीछे लोग बताने वाले खड़े रहते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है इसको या निकलवा दीजिए या ये आगे चल करके तमाम भाषा के तौर पर ड्रॉप आउट इसको कैसे वो कुछ हो जाएगा। तो दैट इज यानी इनपुट एंड आउटपुट रेडिएशन लाइक ए फीडबैक सर्किट, लाइक ए फीडबैक फेनोमेना इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी क्या होता है कोई परफॉर्मेंस नहीं करता है, अपना देता है कुछ देता है बाद में पूछता है मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, अच्छी तरह बोले कि नहीं बोले, खुद उसको भरोसा नहीं होता है तो अच्छा बोला तो लोगों से पूछता है, टीचर है पढ़ाता है तो लोगों से पूछता है ये आता है कि नहीं आता है, फीडबैक करने का अपना होता है क्वेश्चन जिसको कहते हैं वो खुद ही करता है क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन करता नहीं टीचर को ही क्वेश्चन बना करके उसको उत्तर देना होता है। ये कहता है फीडबैक सर्किल का फीडबैक फिनोमेना क्या मतलब हुआ कि एक बार लाइट गई फिर मीडियम में गई वो लेंस से फिर मिरर से टकराई फिर लौट कर गई, यानी इसमें क्या हुआ कि एक तरफ लाइट कम थी एक तरफ ज्यादा हो गई, फीडबैक क्या कर रहे थे एक तरफ ज्यादा हो गई एक तरफ कम, तो ऑप्टिकल इनहोमोजेनिटी, इनहोमोजेनिटी मतलब क्या हुआ एक तरफ लाइट कम एक तरफ अंधेरा है दूसरी तरफ खूब लाइट हो, अक्सर होता है शादी मंडप में देखते हैं तमाम टेंट लगता है उसमें लाइट ही लाइट होती है और बगल में दारू पीने वालों के लिए अंधेरा रहता है, आप देखते हैं बीड़ी पीने वालों के लिए वो अपना खुद रोशन करते रहते हैं अपनी दुनिया चला चला करके, आप देखते हैं सिर्फ हैवी लाइट है ऑप्टिकल में दूसरी तरफ शादी से निकलने वालों के साथ अक्सर लूट पार्टी घटनाएं हो जाती है, हम देखते हैं अंधेरे का फायदा उठा करके लोग जानते हैं कि पहन वहन करके आए पहले देख लेते हैं फिर रास्ते में छीन लेते हैं, एक अलग बात है कि कुछ और ट्रेडिशनल लाइट से 100 नंबर पुलिस कहीं खड़ी रहती है बत्ती जला करके देखी होगी, या ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं ये जो लाइट थी यहाँ से गई फिर लौट करके आई एक तरफ ज़्यादा हो गई एक तरफ कम एक फिनोमेना हो गया ऑप्टिकल इनहोमोजेनिटी, जब ये लाइट टकराई मिरर से और लौट के आई तो बहुत से लॉसेज हो सकते टकराने पर भी कुछ लाइट लॉस हो सकती है, हो सकता है लाइट मिरर के साथ या रेडिएशन मिरर के साथ इंटरेक्ट कर जाए कि बहुत दिन में मिलो भाई आओ तुम्हें से मिल लेते, मान लिया आपने क्लास चोर के साथ एक दूसरा चोर मिल गया उसको, हाँ चोर चोर बहुत सारे भाई होते हैं तो मान लीजिए कि अपनी बातचीत कुछ करना शुरू किया तब तक हो सकता है कोई शरीफ आदमी उधर से जा रहा हो तो दोनों मिलकर के रुक सकते हैं लेकिन दोनों नहीं रुकते, दो चोर अगर एक साथ हो जाते हैं अलग अलग कैसे आते हैं एक ही साथ में दो चोर अलग अलग जायदे से आए मिले तो चोरी बंद कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद नहीं कहते हैं तो जिंदगी भर करना है पहले बातचीत कर लेते हैं हम मिले और होता है तो ये जो फिनोमेना था यानी जो इंटरेक्शन था लाइट के इसके साथ इसमें
बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत सोच सकते हैं। हो सकता है ये भी स्टिमुलेटेड रिएक्शन कर दे, हो सकता है ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर दे, हो सकता है ये खुद ही अवधार हो गए। ये फिनोमेना ज्यादा होता है जब दो दो मिलते हैं तो कहते हैं तुमने कहाँ कहाँ हाथ मारा, बताते हैं कि कलकत्ता से मार के आए, मुंबई में मार के आए, ये सब सो पार्ट अच्छा क्रम का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि आजकल सस्ती बहुत चल रही कलकत्ता छोड़ के कहाँ मारा है, इस तरह का क्रम डिस्क्रिप्शन सो पार लोगों का अपना एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन में बातचीत करते हैं। तो ये तमाम फिनोमेना एक ऑप्टिकल इम्यूनिटी थी, कुछ एब्जॉर्प्शन हो सकता है, कुछ एब्जॉर्प्शन की बजाय स्कैटरिंग हो सकती है, यानी आप देखिए लाइट का लॉस शुरू हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ तो लॉस हुआ। बहुत जगह एक जगह लाइट ज्यादा थी एक तरह कम थी, एक जगह अगर मास ज्यादा हो दूसरी तरह कम हो मास हो, यानी एक तरफ बहुत मास वाले पार्टिकल्स हो दूसरी तरफ कम, तो मास के हिसाब से डिफ्यूज हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। तो एक डिफ्यूजन प्रोसेस भी होगा ऑप्टिकल इम्यूनिटी की वजह से, यानी लाइट के लॉसेस शुरू हो गए, लाइट लॉसेस अकर बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग। तो एक तो पहले स्कैटरिंग और ये सब कुछ होती मिरर के साथ, क्योंकि लाइट मिरर से इंटरेक्ट कर रही थी, दूसरी बार ये लाइट इंटरेक्ट कर रही थी एक्टिव मीडियम के साथ, तो एक्टिव मीडियम में भी एब्जॉर्प्शन होगा। मान लिया मिरर को हमने 100% बनाया है, लेकिन फिर भी 100% कोई चीज़ है नहीं, या सिल्वर का जो मिरर है वो 98.99 तक ही रिफ्लेक्शन देता है, जबकि प्लैटिनम जैसी चीजें आ गई आजकल 99.999 इस तरह के सर्कस में रिफ्लेक्शन होता है। आप देखते हैं तमाम सेंटर्स हैं सिल्वर के खंभे न लगा करके आजकल तमाम सिल्वर स्टील हो सकती है, सिल्वर स्टील के बजाय आजकल प्लैटिनम कोटेड स्टील रहती है चमकने वाली, जो उसमें से जैसे ही लाइट मिलती है तो सब लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, या तमाम स्टेयर केस में जो सीढ़ियों में लगने वाली आजकल गर्माई शीट है उसके सर्कस को बहुत अच्छी तरीके से आप दांत वाँत अपना निकाल करके उसमें देखें तो दिखाई पड़ेगा। मिरर का काम करती है, आप एक्सिस मिरर होता है अच्छा, ऑन एक्सिस ऑन एक्सिस का मतलब कि जिधर आप देख रहे हैं उधर ही दिखेगा, ऐसा नहीं है आप जा रहे हैं किसी और डायरेक्शन में भी दिखेगा, यानी सीढ़ी को अगर देखने वाला व्यक्ति है तो आपकी मिरर उसमें देख सकते हैं, आपका डायरेक्शन कुछ और होगा, लाइट रेड है क्या जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी में मिरर में देख सकते हैं, लेकिन आप एक्सिस मिरर होते हैं यानी आप नहीं भी जा रहे हो आपकी इमेज बना लेंगे अपने आप, और कोई देखने वाला व्यक्ति है तो आपको देख सकता है। तो रिपीट हुए फिनोमेना थे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, रेडिएशन इंटरैक्ट विद द मिरर। अब हम जबरदस्ती इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्शन कुछ भी हो सकता है, और इंटरैक्शन के दौरान क्या हो सकता है इंटरैक्ट, इट मे बी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, इसका स्कैटरिंग हो सकती है, ये फिनोमेना हो सकते हैं, ये फिनोमेना विनोद है, इंटरैक्शन तो भी हो सकता है यानी एब्जॉर्ब हो सकती है, बहुत कम ही एब्जॉर्ब हो सकती है। तो इंटरैक्ट सिमिलरली एंड कर सकते हैं एंड इंटरैक्ट विद रेडिएशन एंड रेडिएशन इंटरैक्ट विद एक्टिव मीडियम और इसमें भी एक्टिव मीडियम में भी ये एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकती है एंड सो ऑन। सो दीज इंटरैक्शन मे बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पहला है रिफ्लेक्शन, लाइट सिल्वर सर्फेस से होगी तो रिफ्लेक्शन में कुछ ना कुछ फिनोमेना होगा, दूसरा है इसमें कुछ पार्टिकल्स से जा रहा था तो ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन की जरूरत ना होकर के हमें ये एब्जॉर्प्शन देंगे तो ट्रांसमिशन पर बात, तीसरा है स्कैटरिंग, और चौथा है कोलिजन प्रोसेस हो सकते हैं कि फोटॉन हो सकता है एटम से लड़ पड़े कि तुम इतने दिन कहाँ थे हम कहाँ थे, हो सकता है बहुत दिन मिलने के बाद जो कुत्ते मिलते हैं तो उनके मिलने का तरीका होता है अच्छा, तो वो मतलब जो मिलने का उनका तरीका है एक दूसरे के गले हाथ डालते हैं लेकिन लड़ते हैं भाव भाव करते रहते हैं कि तुम इतने दिन क्यों नहीं मिले, लेकिन आप उनका फिनोमेना जो है आप देखते हैं वो कोई गुस्सा जब भी किसी दूसरे कुत्ते से मिलता है तो हलो हाई बिल्कुल चिल्लाता है उसके ऊपर
जब भी वो चुप नहीं रह सकता है, खासतौर से अगर उसके मोहल्ले में कोई दूसरा फंस गया तो लोग भी बड़े जहन से आइए आइए जाइए करते हैं, लोग वो भी कहता है कि नहीं आइए आइए, लेकिन तरीका मतलब उसे और कोई दूसरा जानवर नहीं है जितना धैर्य से किसी को वेलकम करता हो। तो गला कोई ऐसा है ये भी चाहे हो बड़े आराम से कहे आइए और गाना सुनाए आराम से है, और वो चिल्ला चिल्ला बताते हैं मेरा दोस्त आ रहा है, कितना पुराना कितना नया एक गलत बात है। छोटे छोटे भी होते हैं जो गोपी वो भी पिल्ला जो है जीत के चिल्लाते हैं, ये स्कैटरिंग हो गई और कुछ हम नाम छोड़ देते हैं इसमें से सेकेंडरी होती है जी ओरिजिनल ऑल दीज फिनोमेना ऑल दीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन एडिशन इसको जरा एक और फिनोमेना जो बोल रहे थे, इन एडिशन द ऑप्टिकल इनहोमोजेनिटी द फिनोमेना ऑफ इन एडिशन द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल इनहोमोजेनिटी, ऑप्टिकल इनहोमोजेनिटी, ऑप्टिकल इनहोमोजेनिटी आल्सो आल्सो फाउंड इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी रीजन है उसके अंदर ऑप्टिकल इनहोमोजेनिटी होगी, एक तरफ बहुत ज्यादा लाइट होगी और दूसरी तरफ लाइट होगी कम होगी, ये इधर इधर लेजर निकलेगी उधर लेजर रिजन बहुत होगा, यानी एक तरफ बहुत अंधेरा हो दूसरी तरफ बहुत एक तरीके का जो है कह सकते हैं लगा हो, इससे भी लोगों की जगह जो नाखों में से होता है वो रिफाइंड कैविटी कैविटी नाउ दस देर इज ए नंबर ऑफ ग्लासेस नंबर ऑफ ग्लासेस of the radiation radiation due to the different optical phenomena different optical phenomena और ये ऑप्टिकल लॉसेस कम करने के लिए अगर चौथा टाइम कर रहे हैं हर बार कम होती चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर से कम हो जाए, तो ये क्या करे कि डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमेना दैट हैज टू बी कंपनसेटेड, इनको क्या करें कहीं से इसमें डालें इन ऑर्डर टू अचीव द रेजिडेंस इन ऑर्डर टू अचीव द लेजी फिनोमेना या लेजी एक्शन या लेजी। अगर आपको लेजी एक्शन कंटिन्यूस रखना है एक बार हो गया इसके बाद ये चला जाएगा, अगर ये होना है कि कंपन से लेजर के जो प्रोसेस है ये जो विकास हो रहे थे इनको क्या करें किसी तरीके से आप बहुत देर बोलते रह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ समय बाद आपका मटेरियल खत्म हो गया तो फिर से आपको पढ़ना पड़ सकता है, या आपकी एनर्जी खत्म हो गई तो फिर से एनर्जी आपको लेनी पड़ सकती है, आप पानी पी सकते हैं आप कुछ खा सकते हैं, तो दैट इज यर दिस इज तो लेजी एक्शन The following types of process. पहला तो फिनोमेना है लॉसेस ड्यू टू दी पहला फिनोमेना है रेडिएशन लॉसेस या लॉसेस के रेडिएशन लॉसेस ड्यू टू दी ऑप्टिकल इनहोमोजेनिटी ऑप्टिकल इनहोमोजेनिटी ऑप्टिकल इनहोमोजेनिटी आप रेडिएशन कह सकते हैं ये कोलिजन कह सकते हैं या रिफ्लेक्शन कह सकते हैं रिफ्लेक्शन लॉसेस होंगे इसमें से कोलिजन रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग एब्जॉर्प्शन बाय
by the mirror of the cavity, by the mirrors of the cavity. जो कैविटी और रेजोनेटर के जो मिरर्स हैं उनमें ये सब फिनोमेना आइडिया होने चाहिए, एब्जॉर्प्शन ना हो, एब्जॉर्प्शन लॉसेस मिनिमल होने चाहिए, रिफ्लेक्शन लॉसेस मिनिमल होना चाहिए। ये नहीं है कि जो डायोड होती है से सब है। दूसरा है लॉसेस ड्यू टू दी absorption, scattering, reflection, then by the active medium. Active medium में जो है ये light absorb होना चाहिए। तो और तीसरा जो बात है last बिंदु दी लॉसेस ड्यू टू दी डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ एटम। तो एटम साइज में बहुत सारी वेरिएशन होती है, बहुत ज्यादा है कि बहुत कम। तो एटम भी वैसे से तुम जो होम ग्राउंड स्टेट में होना है और एटम में ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है किसी को तुम ना हो, यानी मान लीजिए आपके पास बहुत पैसे हो, किसी के पास ना हो तो आप कैसे जल्दी करना छोड़ सकते। ये डिफ्यूजन प्रोसेस है जो मास के ट्रांसमिशन हो सकता है या एनर्जी के ट्रांसमिशन हो सकता है। ये तमाम कैटेगराइजेशन एक तरीके से हो गया कि इनकी वजह से जो जो लॉसेज हैं। अब बड़ा सवाल है कि लॉसेज कहाँ कहाँ होंगे। ये सब कैविटी के अंदर था, अगर उसके अंदर एक रेडिएशन था, ये सब कैविटी के अंदर लॉसेज, यानी किसी तरीके से अगर रेडिएशन को कैविटी से बाहर निकल के लॉसेज क्या हो जाएंगे, या जितनी देर ये रेडिएशन हमारा इसके अंदर रहेगा उतनी देर ही ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर इसको मिनिमाइज कर दें तो टोटल लॉस बनाना है, टोटल लॉस डिपेंड्स अपॉन दी टोटल लॉस ऑफ दी रेडिएशन inside the cavity depends upon the lifetime of the radiation, lifetime of the radiation inside the cavity. In fact, the radiation losses is equal to the reciprocal of the lifetime. ये फार्मूला आ गया। अब ये आपको देखने में उल्टा लग रहा होगा कि ये लाइफ टाइम जितने कम समय रहेगा उतने ज़्यादा लॉसेज होंगे। अगर इसको आराम से उसी के साथ रख देते कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती और ये लॉसेज कम हो जाते, तो टोटल लॉस इक्वल टू वन अपॉन थोड़ा सा नोटेशन देखना पड़ेगा। तो ये बच गया कि टोटल लॉस इक्वल टू वन अपॉन ये टाउ ऑफ द फोटॉन जो है ये कुछ इसके प्रोपोर्शनल हो गया या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने ना कह दिया इसको कहते हैं दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। नाउ द बात करेंगे रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। कुछ नोटेशन इसका दे सकते हैं, आर वन टू लिखते थे इसको हमने कुछ ओमेगा ये जस्ट ऐसे नाम है ठीक है इसी नोटेशन से आर वन टू आर टू तो प्लस दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ये एफ प्रोपोर्शनल टी कांस्टेंट दैट इज बी टू वन नंबर ऑफ एटम इन द अपर स्टेट एंड द एनर्जी ये आपको बात दी गई थी वेयर बी टू
one is the Einstein coefficient. Einstein coefficient of the हम जब पढ़ने पर इसको डिस्क्राइब करेंगे अभी ऐसा लिख देते हैं वो कहा था कि एक मटेरियल मीडियम है ये और इस मटेरियल मीडियम में नंबर ऑफ एटम्स हैं आइडेंटिकल एटम्स इट कैन बी डिस्क्राइब बाय पॉलिटिकल इक्वल एंड टू नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर अपर स्टेट एंड वन एंड टू एंड इफ मीडियम इज पोज बाय द एक इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी देन रिकॉर्डिंग मास्टी three different phenomena will occur by equivalent told by three different phenomena पहले के जॉक्सन जो नीचे से होता है ऊपर दूसरा है स्पॉन्टेनियस इमिशन जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है और तीसरा है स्टिम्युलेटेड इमिशन नाउ स्टिम्युलेटेड इमिशन को आपने देखा था दो फोटॉन से जबकि स्पॉन्टेनियस इमिशन को हम एक फोटॉन से प्रेजेंट करते हैं क्या आप बोल सकते हैं इसे भी स्पॉन्टेनियस और ये है क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन मैकेनिक्स ये थ्योरी सर्विस की गई रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन याद है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्टिम्युलेटेड इमिशन आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्टिम्युलेटेड इमिशन Einstein theory of stimulated emission. The Einstein relations are the Einstein's relations are the Einstein relations are the Einstein's relations क्या है? They are the nothing. They describe the relationship between the different probability coefficient. The probability coefficient का V12, V21, A21 या जो प्रचल probability की उनके बीच में relation होता था. पहला relation था कि दे द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड स्टिम्युलेटेड इमिशन या इसको कहते हैं जैसे रिजल्ट था V12 = V21 हमने मान लिया कि ये सेम ये कुछ इसके बराबर हो जैसे कि हम तो दोनों का रिजल्ट सेम कर दिया देन V1 द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन या स्टिम्युलेटेड ट्रांसफर एंड स्टिम्युलेटेड ट्रांसफर बिटवीन टू एवरी लेवल और दूसरी बात ये कही गई थी कि जो A1 A2 upon B2 1 है या B2 1 equal to था तो था मैंने कहा था तरीके से तो C³ / A5 h³ ये आपने कहा था existence of the spontaneous emission is essential for the stimulated emission और मैं B2 1 equal to था का इसको दो कर देंगे A/H³ / C³ × A₁ इसको A₁ को हमने क्या सुविधा के लिए कह दिया ये लोकेशन लगा दिया और कहा A/C यानी इसे तो सिंपल आ गया यहाँ से B बराबर निकाल सकते हैं तो देयरफॉर B इक्वल टू क्या हो गया नीचे वाले से निकालिए देखिए B इक्वल टू आर बी इक्वल टू आ गया तो जब ऊपर भी रखा है तो ये हो गया बी इक्वल देखिए यहाँ से भी निकालेंगे ये क्या हो जाएगा बी इक्वल टू ये इसको इधर ले आ सकते हैं इसको इधर ले आ सकते हैं इसके फंक्शन ए बाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इनटू ए सर क्या होने सब्स्टिट्यूटिंग रिजल्ट को कुछ दूर दूर पर चलना ये क्वेश्चन नंबर वन इस ए को हम नीचे ले सकते हैं या डिवाइड कर दीजिए तो क्वेश्चन ओमेगा प्राइम बाई कोई आ गई तो दिस इज दी ओमेगा प्राइम बाई ए दिस इज द 8 पाई एच न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब एन क्यूब
और उसको, ये जो एक क्वेश्चन है, इस इक्वेशन में डिस्क्राइब ट्रांजिशन, कौन सा स्टिम्युलेटेड रिएक्शन। अगर ट्रांजिशन है तो इसका कुछ ना कुछ शेप होना चाहिए, यानी कोई लाइट अगर एक आइटम एक जगह से दूसरी जगह जाता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है रेडिएशन आप स्पेक्ट्रोमीटर से देखिए तो उसका कोई रूल शेप होता प्रोफाइल होगा, तो दिस ट्रांजिशन गिव राइज ए शेप, तो दिस विल गिव राइज, दिस विल गिव राइज, this will give rise to amplification, पहले कहेंगे amplification in laser emission, laser emission, the usual shape, usual shape, इसका कुछ shape होगा, the usual shape of this condition, this condition. You can say of this transition either in emission or in absorption. It is shown in figure. It is shown in figure. It is shown in चाहे वो emission हो चाहे absorption हो, आगे पढ़ाएंगे emission में कैसा मिलेगा absorption में कैसा मिलेगा, लेकिन कुल एक ही तरह का सेप होगा, अंतर होगा उसमें, लेकिन आगे बात की जाएगी। तो इसकी सोने फिगर फिगर बना दीजिए, किसी भी अगर कि इधर की तरफ हम फ्रीक्वेंसी रखें या वेवलेंथ रखें या एनर्जी रखें, इधर की तरफ इसकी इंटेंसिटी रखें, क्योंकि एमिशन को हम एब्जॉर्प्शन को इंटेंसिटी के टर्म में, तो वेवलेंथ के टर्म में आप देख सकते हैं या फ्रीक्वेंसी के टर्म में। नॉर्मली जो आपको स्पेक्ट्रोमीटर दिया जाता है वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल थीटा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आप मेजर करते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं थीटा को, तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में रखा गया, इसको प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल कम लाइक एक मतलब ये जो इस तरह की कोई चीज है इसमें हाइट बहुत ज्यादा है और ये शोर कम है, एक खजूर के पेड़ की तरह है, एक अशोक का पेड़ बढ़िया काट करके देखते हैं ऊंचाई पे बनाते हैं और नीचे ट्रिम करते करते कुछ इस तरह के तमाम डिजाइन में ना तमाम बर्फ बर्फ गिरती है, वहाँ ऊपर का पेड़ पतला होता है और नीचे का चौड़ा होता है, तो पूरी बर्फ पेड़ के ऊपर गिर जाए और पेड़ जमीन पर गिरता है, तो वहाँ के पेड़ कैसे होते हैं ऊपर की तरफ डायमेंशन कम नीचे की तरफ है, ये कुछ इस तरह का शेप है जैसे खजूर का पेड़ है ऊपर का पोर्शन काट दे एक बड़ा सा नॉर्मल कोई पिलर जैसे तमाम यूनिफॉर्म के तार होते हैं, नीचे बेस चौड़ा करते हैं धीरे धीरे ऊपर कम करते हैं, ये कुछ इस तरह का हो गया, इसमें ये पीक कहलाती है, नॉमेनक्लेचर है ये है पीक, ये आपको समझना है जल्दी पीक, यानी पीक मतलब क्या है कि धीरे धीरे चलते चले जाएंगे माउंटेन्स में, ये नीचे माउंटेन बहुत बड़े होते हैं जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं, एवरेस्ट की चोटी इसको कहते हैं, एवरेस्ट की पीक है वो बहुत, तो ये कुछ इंटेंसिटी थी इस डायरेक्शन में जा रही थी और ये मेजर करेंगे कुछ यहाँ से, ये मैक्सिमम जो होती है इसको आई मैक्सिमम कहते हैं, मैक्सिमम की इंटेंसिटी हो गई कुछ आई मैक्सिमम। नाउ अगर कोई चीज़ ऐसी है कि एक तरफ मोटी है दूसरी तरफ पतली है, तमाम जिंदगी में हम देखते हैं सीधी सीधी हाथ है एक तरफ मोटा होता है एक तरफ पतला होता है, पैर है एक तरफ बहुत मोटा है दूसरी तरफ बहुत पतला है, नाक है एक तरफ बहुत पतली है दूसरी तरफ ऐसी हो जाती बराबर हो जाती नाक हाथ पैर बराबर हो सकते थे, अभी ये सब स्ट्रेट लाइन मैथमेटिक्स में नहीं मिलता, सब कर्व है, आपको अगर बनाया जाए कर्व के रूप स्ट्रेट लाइन के रूप में तो आप रोबोट बन जाएंगे। देखिए आपके पास एक गुम है या आपने ठीक है तो बना दिया ठीक होने से मान लीजिए कर्व ना होगी स्ट्रेट लाइन होगी तो आदमी एक तरह से बना दिया, ये ऊपर भी कर्व है अगर कर्व ना होता तो आप क्या करते इसको स्ट्रेट लाइन बना सकते, नीचे भी दाढ़ी वाड़ी सब जो चिन्ह है वो सब देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन ना होता तो क्या आदमी कर्व होती है, अब ये रेक्टेंगल जैसा आदमी आता ये तो रोबोट में ही रेक्टेंगल सब होते हैं, जितने हाथ पैर हैं सब कर्व होते हैं, आगे चलते जरा जितनी आँख वाँख है सब कर्व है, ये कर्व ना होता कि अगर ऐसी होती स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दुर्ग देते हैं इसमें ये मुंह भी कर रहे देखिए ऐसे माफी करना होगा कन्वेंशन ना होता ये किसी और तरीके का हो गया होगा ये भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ये सब रोबोट की ये सब रोबोट ऐसे ही होते हैं जिसे तो देखिए जिंदगी में स्ट्रेट लाइन का कोई मान कोई भी हाथ पैर है वो नीचे से ऊपर से मिली पार नहीं है स्ट्रेट लाइन ये सब कन्वेंशन चलते हैं।
मतलब होगा हमारे इस बात का। नियत का कर्वेचर कि ये छोटी एक पत्ती है, इसको काट करके हम दरवाजा खिड़की बनाते हैं, तो मशीन से काट काट करके सीधा कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो वही अगर मान लीजिए एक तरफ कोई चीज पत्ती है, दूसरी तरफ पत्ती है, मैं मान लीजिए किसी से पूछा जाए तो हमारे हाथ में मोटाई कितनी है, किसी बच्चे से सवाल पूछ सकते हैं, पैर की मोटाई कितनी है, कहाँ से नापेंगे इसको, नीचे से नापें, ऊपर से नापें, बीच से नापें, लंबाई का सही से नाप सकते हैं, मोटाई का क्या होगा, कहाँ से इस तरह की चीज को मेजर करें, ये ऊपर से नीचे बराबर है, लेकिन एक तरफ मोटा है दूसरी तरफ हाथ, एक तरफ मोटा है दूसरी तरफ पतला है। मान लीजिए किसी को जंतर बांधना है, मंत्र पड़ा हुआ जंतर होता है, उसको कहीं बांधना है, कहाँ बांधे, कहाँ बांधे, यहाँ बांधे, आगे बांधे, किसी को आपको खरीदना है सपोज के लिए, कोई हाथ में पहनने वाले तमाम आइटम्स आते हैं, रक्षा सूत्र से लेकर के चूड़ी से लेकर के तमाम कड़े से लेकर बहुत सी चीज़ें आजकल फ्रंट से बैंड से लेकर बहुत सी चीज़ें आती हैं। कहाँ की मिठाई आप नापेंगे, ऊपर की, जंतर ऊपर बांधे जाते हैं, मंत्र पड़ेंगे जंतर से ऊपर बांधते हैं, चूड़ी और घड़ी बड़ी सब आगे लगाते हैं, घड़ी लगा दें यहाँ ऊपर क्यों नहीं लगा सकते हैं, कोई सवाल होगा इसका कोई कारण होगा, आगे तो ये स्टेबल है, यहाँ लगाते तो फिर भी यही गिर के आती है, यहाँ गिरती है, कोशिश कर लेंगे या इतनी बार ऐसे ऐसे करेंगे घड़ी नीचे आ जाएगी आपके अपने आप। तो अब बड़ा सवाल है कि अगर किसी को अपने हाथ की मोटाई बतानी हो, तमाम लोग सीना न पाते कुछ न पाते, आप देखते हैं आर्मी के मेडिकल्स या तमाम जो सो कॉल्ड फोर्स के मेडिकल्स हैं या जो पुलिस के मेडिकल्स हैं, उन सब में से मेडिकल होता है, लेकिन हाथ की मोटाई कहीं नहीं आती जाती, पुलिस वाले तो हाथ ही से मारते हैं, पैर से मारते हैं, चलो हाथ पैर दोनों से मारते हो तो दोनों की मोटाई नहीं आती, दौड़ से लगती स्पीड तो मेजर करते हैं, लेकिन चूँकि पुलिस वालों का पहला काम है जो पहले मिले उसको दो चार थप्पड़ लगाओ उसके बाद बात करो, तो फिनामिना है कि तभी ठीक होता है उनके हाथ में, तभी सब सही होता है जब तीन चार झापड़ खा जाता है, वरना वो कहते हैं कभी कोई सही। तो अगर वाली ये इस पैर की मोटाई किसी को नापनी हो कैसे नापेगा, ऊपर नाचे नापे कि बीच में नापे, कहाँ से नापे, जिस छोटे बच्चे से पूछिएगा तो देखिए कहाँ से नाप करके आपको देता है, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या है, कहाँ से नापना चाहिए ऐसी चीज़ को, नीचे नापता है तो कम हो जाएगी, ऊपर नापता है तो ज़्यादा हो जाएगी, आपको पैजामा सिलाना है, पैंट सिलाना है, आप देखते हैं इस तरह का सामान रोज शाम सवेरे करते हैं, कहाँ से टेलर नापे, कहाँ से अगर सिल देगा तो ऊपर घुसेगी नहीं पता चला नीचे अगर चक्कर में, वो घुसना तो चाहिए, पैसा काम है मुझे नहीं पता चला, तो आप पैसा डिजाइनिंग का काम नहीं कर सकते, ये तो इस तरह का है। मान लीजिए कोई ऐसा कपड़ा है जो एक तरफ बहुत शार्प है और दूसरी तरफ बहुत होता है, इसको सेटिंग करके कपड़े आते हैं, शर्ट साथी है ऊपर की तरफ बहुत रंगीन होती है, नीचे कम हो जाती है, उल्टा क्या काम करेंगे इस तरह के, आजकल अभी फैशन में नहीं है, उस समय बात आती जाती रहती है कि अगर एक तरफ यूनिफॉर्म कलर इस समय भाई नहीं चल रहा है, अगर एक तरफ बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस है दूसरी तरफ कम हो जाए तो किधर की तरफ खरीदना चाहिए, इंटेंस वाले को देखना चाहिए कि वीक वाले को देखना चाहिए, लोग कह सकते हैं कि जैसा आपका कलर हो उस हिसाब से देखिए। तो ये फेनोमेना फिजिक्स में वैलिड नहीं है, ठीक है, यानी इसकी अगर हमको मोटाई नापनी है तो यहाँ नापेंगे कुछ, यहाँ नापेंगे कुछ, या तो सबको नापे हर पॉइंट पर और एवरेज निकाल दें, सही करें, अगर किसी ब्राउजर का किसी पैंट का अगर एवरेज इस तरीके से निकाल के करें कि ऊपर का पैंट फिर जाएगा नहीं और नीचे क्या होगा तो पैंट को बनेगा नहीं, कुछ आदमी चल नहीं सकता फिर गिर जाएगा, ये बच्चे छोटे करते रहते हैं, किसी का कपड़ा पा गए पहन पहन के गिरते रहते हैं, आप देखते हैं लेकिन कपड़े को नहीं छोड़ते हैं वो पार्ट में खास बच्चे। तो दी पॉइंट इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो फिर वहाँ से मेजर करते हैं जहाँ इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, इस तरह की जो घटना है जहाँ पर एक तरफ वेरेबल हो, एक तरफ कम हो, एक तरफ ज़्यादा हो, थिकनेस या जिसको कह सकते हैं जो मोटाई है वो बदलती है, तो इसको ऐसी जगह करते हैं जहाँ इंटेंसिटी हाफ हो जाए, तो इसको हमने हाफ कर दिया, ये आई मैक्सिमम का हाफ हो गया, और यहाँ पर जब आप तो करेंगे तो इसके जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है लोअर फ्रीक्वेंसी एन वन और एन टू पीक है एन जीरो, तो आपने मेजर किया इसमें से एयरपोर्ट में नहीं आगे करके बात होगी इस वजह मशीन में, ये हाफ है, इसको कहते हैं फुल विथ हाफ मैक्सिमम, फुल विथ हाफ मैक्सिमम, और जो लोग आर आई टी कर रहे हैं उसमें स्लिम के भी पार्ट है, ठीक है, फुल विथ इसको एम डब्ल्यू एच एम के नाम है, फुल विथ हाफ मैक्सिमम।
मैक्सिमम एस डब्ल्यू एफ एम इसको कहते हैं, नाम एनॉन प्रेशर कुल विड्थ किसके बराबर होगी, ये ऐसी डिस्टेंस है इट इज विड्थ ऑफ द लाइन वेयर इंटेंसिटी इज गोइंग टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये जो विड्थ है इसको हम एस डब्ल्यू एफ एम कहते हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी दुनिया के तमाम पेड़ पौधे हैं या तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इस फेनोमेना को बहुत इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं आधी जिंदगी गंदी बची दिखती है, ये आप देखते हैं इतना तमाम बातें लोग कहते रहते हैं ज्यादा कुछ हो गया आपको नहीं बचा तो चार दिन के लिए बचा हुआ है, ये फुल मैक्सिमम आप जो है इस नशे फुल विथ आप मैक्सिमम के आदि ये इसके दुगने के बराबर होगी। आइडिया इसका कि जब इस तरह की चीज होती है तो विथ इम्पॉर्टेंट है, एक तरफ होती है उस तरफ छुट्टी हो तो विथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीक के साथ साथ विथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है जी आप कैसे इतने मोटे होते हैं, हवा खाते हैं, हवा पीते हैं, होते हैं,
तो एक ये नेचुरल भी होती है, अपने आप सब सके तंदुरुस्त होते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल पार्ट, नेचुरल पार्ट, नेचुरल पार्ट। इसी का ये रीजन है। अब ये नेचुरल पार्टिंग जो है कुछ और चार्ज पार्टिकल की वजह से लार्ज लारेंजियन या रोजियन या स्टार ब्रॉडिंग जो होती है रिलेशन की जो, अगर तो ये जो सब ब्रॉडिंग को कम कर सकते हैं, प्रेशर को कम कर सकते हैं, हमको नहीं मतलब है चार लोग लड़ रहे हैं लड़ने दीजिए, हमको देखना है कैसे लड़ते हैं, तो हम किसी का सिग्नल देख लेंगे, उसमें बहुत से लोग लड़ते हैं अपने से क्या लेना देना है, कैसे कैसे लड़ते हैं, लड़ने के क्या क्या कारण होता है, कोई सीरियल दे दीजिए नॉलेज हो जाएगा आपको। सबसे ज़्यादा नॉलेज इंडिया में एक ही मैडम को जी, और कैसे कैसे लड़ाई होती है उनके सीरियल देख लीजिए, तो आप इमेजिनेशन से बाहर नहीं निकलिए, या आप देख सकते हैं तो लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो कोलिजन ब्रॉडिंग है या टॉपर ब्रॉडिंग, इन सबको मिनिमाइज किया जाए, हम घर में नहीं लड़ेंगे, टीवी सीरियल देख कर भी काम चला सकते हैं, कैसे लड़ते हैं लोग, बहुत से लोग टीवी सीरियल देख के लड़ते हैं, घर में खुद में लड़ रहे और कुछ फॉलो करते हैं, इसके या आइडिया मिल जाता है कि कैसे है, तो हमको पता नहीं जो राइटर है उसके घर में शायद लड़ाई ऐसी होती होगी, मुझे अंदाजा नहीं है, एक स्टूडेंट बड़ा वहाँ पर काम कर रहा है भैया, जो प्रोडक्शन मैनेजर है सबको सुना करके देखता है, आपको इलाहाबाद का ही है भैया, इसके अलावा यूनिवर्सिटी का है और बी एस सी का स्टूडेंट रहा है, एकता कपूर के प्रोडक्शन सीरियल को पूरा का पूरा वही हैंडल कर देते हैं, बहुत क्रिएटिविटी थी उसके दिमाग में, जब वो रहता था काम तो ये लड़ पड़ता वो आपके सामने आ जाएगा, तो उसके चेहरे से आपको दिखेगा क्रिएटिव कैरेक्टर है, वो क्रिएटिविटी देखता है उसमें कि किसने क्या किया, अरे लड़ने वाला हो तो कितना अच्छा लड़ा है सीन में, लड़ने में कोई जल्दी चाहिए ना तो उसको बनाना पड़ता है टीवी सीरीज, आप लड़े नहीं जल्दी से किसी से, आपका जब मन होगा तो लड़ने के, लेकिन उसी को किसी को सोच के लड़ना हो तो उसके लिए डिफिकल्ट काम होगा, लेकिन आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं। पॉइंट था ओनली कि एवरीथिंग कैन बी मिनिमाइज, लेकिन ये नेचुरल ब्रॉडनिंग जो होती है वो कांस्टेंट है, इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, यानी कुछ न कुछ फाइनाइट भी अपने आप की लेजर टेंशन है उसमें होगा, बाकी को हम, इसका मतलब ये है कि कोई मोटा हो सकता है कोई पतला हो सकता है, बहुत से तरीके आपके पास पतले होने के हैं, जीरो फिगर जिसको कहते हैं, कोई सूप पीता है, कोई पानी पीता है, कोई हवा खाता है, कोई भोजन खाते रहता है, बहुत तरीके हैं इसमें से करने के लिए, इससे भी नहीं होता तो योगा से लेकर के बाबा तक सब कुछ कर डालिए, ये आपको फिट पार्ट करने के बहुत से तरीके हैं, काम अखबारों में आप देखते हैं, हेल्थ डायरी से लेके तन मन से लेके पता नहीं क्या निकलता है, हिंदुस्तान तन मन नाम का एक फ्राइडे को निकालता है, उसमें से कुछ निकलता है, वो हर रोज निकालता रहता है कुछ, सबका अपना अपना कुछ पॉलिटिक्स के लिए कुछ अलग रहता है, निकालता है उसके लिए डिपेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे के लिए, लेकिन उसका मानना है कि ऐसे प्रचार से बहुत चीज़ें मिलती हैं, पर सब कुछ करने के बाद जो नेचुरल रीच है वो कम नहीं हो सकती, हड्डी पसली की जो मनाई है चाय जितनी कर ले उससे तो नीचे, ये नेचुरल रीच कांस्टेंट है, कोई लाइफ में ये कोई शेप बड़ी हो सकती है कोई छोटी हो सकती है, यानी एक कोई पैरामीटर ऐसा होना चाहिए जिसमें जो इसकी शेप को डिसाइड करे, लाइन शेप किसी तरीके से मोटी हो सकती है पतली हो सकती है, देयर मस्ट बी अ फेनोमेना, इस लाइन शेप के अंदर कौन रहता है, फोटॉन नाम का घर है, क्योंकि रेडिएशन था, इस रेडिएशन में कौन लोग रहते हैं, फोटॉन, फोटॉन का एक ग्रह जहाँ पर दिखाया जगह आपको नीचे, इसका मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फोटॉन इन साइड दिस रीजन इन सिक्योरिटी, कहीं फोटॉन का रेगुलर फोटॉन है या जितने भी फोटॉन है सब के सब फोटॉन इस पीक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो लेट अब जरा इसकी लेट जी न्यू ये नोटेशन है, जी न्यू जी जी लाइन शेप फंक्शन, लाइन शेप फंक्शन, अब कितने तरीके की लाइन होगी जरा आगे चल करके बात करेंगे, थिक लाइन हो सकती है, थिक लाइन, थिन लाइन हो सकती है, आदमी मोटा हो सकता है पतला हो सकता है, दो ही तरीके आपको पता है, ये अभी और भी आए ऐसा भी बीच बिटवीन भी हो सकता है कोई मोटा और पतला के बीच में से, कि बहुत से लोग मोटे होते हैं पतले नहीं होते फिर भी कहते हैं अच्छा है उसकी लंबाई अगर अच्छी हो जाए तो मोटा आदमी भी अच्छा लगता है, बट इसका बी एम आई बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं उसको,
फर्स्ट आदमी के लिए, हर आदमी के लिए पिक्सल जिसकी लंबाई हो किनाई उसकी थोड़ाई हो सकती है। तो बॉडी मास इंडेक्स एक पैरामीटर है जो कि एज के मुताबिक फिक्स होना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए, या आपका आपकी जितनी लंबाई है और जो बॉडी का मास है दोनों का अप्रोच फिक्स होता है, एक हेल्दी पर्सन के लिए फिक्स है। लेकिन अगर उससे कम ज़्यादा हो जाता है तो फिर ज़्यादा हो गया तो ओबेसिटी मोटापा जिसको कहते हैं, कम हो गया तो फिर देख सकते हैं कि उसके लिए तमाम कोशिश दावा से लेकर के हर चीज़ खाई जाती है, चवनप्राश से या तमाम डिवाइडर से लेकर के आजकल बाजार में बहुत से एनर्जी ड्रिंक। तो पॉइंट ये तो लाइफ से फंक्शन है, ये इसको लेट कंटिन्यू बी द लाइफ से फंक्शन ऑफ द स्पेक्टर सिग्नेचर। जी न्यू लाइफ हो गया एंड क्वार्टर परसेंट टी न्यू रिप्रेजेंट the probability of finding the photon in the frequency range और ये frequency range न्यू हो सकता है या न्यू एंड प्लस टी न्यू फोटॉन के लिए क्या होगी, एक ही कंफर्म नहीं है फोटॉन न्यू और डी न्यू जी न्यू उसमें व्यक्ति या ऐसे नहीं समझा था तो एनर्जी लाइन कह सकते हैं। एनर्जी लाइन एक एनर्जी लाइन है, इसको एच न्यू कह सकते हैं एंड एच न्यू प्लस ये कुछ और हो जाएगा थोड़ा सा इसमें बदल गया, एच कॉन्स्टेंट रहेगा डेल्टा न्यू या डेल्टा न्यू की ये यहाँ पर एनर्जी में कहीं लाई करता है। बात कर रहे थे कि लाइन थीम और ठीक हो सकती है, लाइन आपकी इंटेंस हो सकती है वीक हो सकती है, हो सकता है ये फॉर्मुलेशन लाइन शार्प हो सकती है डिफ्यूज हो सकती है। बहुत सी ब्लर्ड आपको लाइन दिखती हैं उसको सिर्फ को पता कर देते हैं बहुत अच्छी से दिखने लगती हैं, बहुत इतनी वीक होती हैं जीरो ऑर्डर आपको बहुत अच्छा दिखेगा और फर्स्ट ऑर्डर जाकर के क्या हो जाता है बहुत वीक हो जाता है, कहीं कहीं पर अल्ट्रासाउंड वगैरह में आपको मिलता है। तो लाइन के बहुत से क्लासिफिकेशन होंगे आगे बात करें क्यों आती है कहाँ से आती है इसको पूरी ग्रुप में आगे बताई जाएगी। एक्सपेरिमेंट लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दी फोटॉन इन दी कन्फाइनमेंट इन दी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कन्फाइनमेंट स्पेक्ट्रल signature confined is the unity total कहता है एक फोटॉन था, एक व्यक्ति अगर एक घर में रहता है बहुत बड़ा सा घर है तो कहीं हो सकता है घर के अंदर कहीं नहीं होगा बेडरूम बाथरूम करके स्टडी रूम से बाथरूम से लेकर कोई भी रूम यहाँ कुछ हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं हो सकती है, दैट इज मैथमेटिकली इसको कह सकते हैं तरीके जो स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन होगा उसमें भी कुछ ना कुछ इस तरीके का
स्पॉन्टेनियस इमिशन अभी थे स्टिमुलेटरी थे तीन फेनोमेना थे स्पॉन्टेनियस इमिशन भी होगा उसमें भी कोई इस तरह का लाइन से फंक्शन निकले तो सिमिलर कंसीडरेशन सो दैट सिमिलर कंसीडरेशन so that the spontaneous fusion is given by ये spontaneous fusion के लिए हम ये लिखते थे यहाँ पर a हो गया ये उसके साथ एक line बनते जोड़ दे तो ये था g और ये new था यहाँ पर function जरा बदल जाएगा वह g l new इस दिन language function कह रहा था ये नाम है इस कार क्योंकि रैंडम है ये बिल्कुल शार्प नॉट है तो है जी एल यू है जी एल यू इस कार लैग्रेंज फंक्शन इस कार लैग्रेंज का मतलब है लैग्रेंज फंक्शन इट्स प्रॉपर्टी आर गिवन बाय इट्स प्रॉपर्टी ये इंटीग्रल है माइनस इनफिनिटी के मैग्नीट्यूड जी एफ ए एक प्रॉपर्टी फंक्शन है इसकी वैल्यू 2 अपॉन पाई होगी ये 2 अपॉन पाई का मतलब ये 1 ना होती है यानी अगर आप खजूर के नीचे बैठे तो आप ये नहीं कर सकते दो दो खजूर के नीचे बैठ करके पढ़ते में नहीं करते ऐसे बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिसका नीचे का ऊपर भी हाइट होती है और चबूतरा फैला होता है कि बहुत से लोग मंदिर मंदिर में ऐसे पेड़ लगा जाते हैं कि ऊंचाई भी हो और साथ में चबूतरा बहुत हो कि कई लोग बैठ करके भजन गा सकें कई लोग भगवान की आरती वारती में सम्मिलित हो सके आप देखते हैं वहाँ चबूतरा यानी 2/5 ये फैल गया कि ये जो था तो जरा इन दोनों को लेकर के कुछ रेट निकालेंगे ये थोड़ा सा लंबा है अच्छा तो कई सेक्टर में ख़त्म होगा 2 कम से कम 4 आवर्स चाहिए इसको भी और तब ये खत्म होगी बात तो ये अगले ट्रांस पर जरा फिर से फायदे को आगे इसके जो भी कुछ है वो बात की जाएगी।